गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनीष डोडी। आज अपन कैम डीटीएस में केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। अपने इसमें 120 क्वेश्चन है जो नीट लेवल के अपने हैं। एक एक के लिए बात करते हैं। पहला डायपोल मोमेंट पर क्वेश्चन है अपना। उसमें देखें विच मॉलिक्यूल हैज मैक्सिमम डायपोल मोमेंट। बेटा ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो पहले अपने क्या करना है, अपने उनको देखना है जिनका डायपोल मोमेंट क्या हो, जीरो। अपना एक रूल अपन ने बताया हुआ है कि सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं हो, लैटरल एटम कैसे हो, सेम हो, तो डायपोल मोमेंट कैसा रहेगा, जीरो रहेगा। अब इसमें देखें CH4 में मैंने देखा कोई लोन पेयर नहीं है, लैटरल एटम सेम है, तो इसका म्यू कितना आएगा बेटा जी, जीरो। इसके लिए देखा इसका म्यू भी कितना आएगा, जीरो। इन दोनों का म्यू जीरो नहीं होगा, NH3 एंड NF3 का म्यू जीरो नहीं होगा। तो अपन बात करें NH3 के लिए, बात करें ये NF3 है। वैसे डायपोल मोमेंट ज्यादा किसका होना चाहिए, डायपोल मोमेंट ज्यादा NF3 का होना चाहिए था, परंतु होता किसका ज्यादा है, NH3 का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सारे वेक्टर एक साइड में है तो ये सारे ऐड हो जाएंगे, जबकि इसमें बात करें तो इसमें कुछ वेक्टर नीचे की ओर है और एक वेक्टर ऊपर की ओर है, तो माइनस हो जाएगा। तो मैक्सिमम डायपोल मोमेंट अपने पास किसमें आएगा, NH3 में आएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट बात करें कह रहा था फॉर्मल चार्ज ऑफ PO बॉन्ड ऑर्डर इन PO4-3। फॉर्मल चार्ज एंड बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो ये फॉस्फेट आयन है बेटा। फॉस्फेट आयन के पहले अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे O- एंड O-। बॉन्ड ऑर्डर काउंट करना है अपने को। अपन क्या करते हैं O- एंड O डबल बॉन्ड से अटैच बॉन्ड है, उन बॉन्ड को कैलकुलेट करके उन से डिवाइड कर देते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से डिवाइड कर देते हैं। तो अपन कैलकुलेट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 बाई ऑक्सीजन कितने हैं 4, 4 बाई 5 बाई 4, तो आंसर आया अपना 1.25। तो बॉन्ड ऑर्डर तो अपना आ गया 1.25। फॉर्मल चार्ज के लिए बात करें तो बेटा जी तीन नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के कारण कितनी जगह घूम रहे हैं, चार जगह घूम रहे हैं। ये तीन नेगेटिव चार्ज है, रेजोनेंस होगा तो कितनी जगह मूव करेंगे, चार जगह मूव करेंगे। तो एक के पास कितने आएगा, 0.75 आएगा, तो अपना आंसर आ गया सेकंड। और बट वैसे भी अपन बता सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर एक में ही 1.25 है, तो आंसर आ जाएगा अपना सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्ट्रक्चर नॉर्मली एसोसिएटेड विद आयनिक बॉन्डिंग इज, आयनिक बंध से संबंधित संरचना होती है। जो बेटा जी आयनिक बॉन्ड होते हैं उसमें क्या होते हैं कि जैसे NaCl का अपन बनाए Na+ और Cl-, इसमें जालक लैटिस का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, लैटिस का फॉर्मेशन होता है कि एक सोडियम है उसके चारों तरफ अपने पास कौन पड़े रहेंगे, क्लोरीन पड़े रहेंगे, ऐसे एक दूसरे को क्या करते रहेंगे, सराउंडेड करते रहेंगे। तो अपन ये बोले कि एक विशाल जालक का फॉर्मेशन होता है, लैटिस का फॉर्मेशन होता है, एग्जैक्ट लैटिस का फॉर्मेशन होता है, तो अपना आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट बात करें अपन, All the substances listed are solid at room temperature. Which substance has a simple molecular structure? नीचे दिए गए पदार्थ कमरे के ताप पर ठोस है, इनमें से किनकी संरचना साधारण आणविक स्ट्रक्चर। बेटा जी सॉलिड अपन दो सॉलिड आपको ध्यान रखने स्पेशल, खास करके एक तो कोवलेंट सॉलिड की बात करूं, दूसरा अपन मॉलिकुलर सॉलिड या फिर वांडरवाल सॉलिड की बात करूं। एक तो कोवलेंट सॉलिड या इसको बोलते हैं सैचुरेटेड ठोस, दूसरा अपने पास बात करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। या वांडरवाल इसको आणविक हिंदी में आणविक सॉलिड। तो ये कह रहे हैं नीचे दिए गए पदार्थ कमरे के ताप पर ठोस है, इनमें से किनकी संरचना साधारण आणविक संरचना है। कमरे के ताप पर तो सॉलिड है परंतु आणविक मतलब मॉलिक्यूलर सॉलिड है, आणविक सॉलिड है, तो अपना आंसर आ जाएगा आयोडीन। सोडियम तो मेटालिक फॉर्म में रहेगा, ग्रेफाइट है वो अपने पास कैसा रहेगा, कोवलेंट रहेगा, स्ट्रोंशियम वो भी मेटालिक फॉर्म में रहेगा, तो अपना आंसर आ जाएगा कौन सा, आयोडीन अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं, Why does sodium chloride not conduct electricity in its solid form? ये अपनी सॉलिड फॉर्म में
कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट क्यों नहीं कर रहा, ठोस अवस्था में सोडियम क्लोराइड विद्युत का चालन नहीं करता है। बेटा जी जितने भी आयनिक कंपाउंड है वो सॉलिड फेज में कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट नहीं करते, परंतु फ्यूज्ड एंड एक्वस कंडीशन में बात करें, तो इनमें सॉलिबिलिटी रिप्रेजेंट करेंगे। सॉलिड फेज में क्यों नहीं करते, क्योंकि उनमें आयंस की मोबिलिटी नहीं होती। तो अपन कहते हैं आयन इन इट्स स्ट्रक्चर आर इन फिक्स्ड पोजीशन, एक फिक्स्ड पोजीशन में रहते हैं, उनकी मोबिलिटी नहीं होती, इसलिए क्या नहीं करते, कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट नहीं करते। किसमें, सॉलिड फेज में। ये किसका नेचर है, आयनिक कंपाउंड्स का नेचर है। तो अपन आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन व्हाई सिलिकॉन डाइऑक्साइड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। कौन सा स्पष्ट करता है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड का गलनांक उच्च होता है। बट इस सिलिकॉन डाइऑक्साइड के लिए थोड़ी सी बात करें अपन, SiO2 एक कोवलेंट सॉलिड, सॉलिड का एग्जांपल है, याद रखना है। ये किसका एग्जांपल है, कोवलेंट सॉलिड का एग्जांपल है। अदर एग्जांपल में बात करूं, डायमंड हो गया, रेड फॉस्फोरस भी क्या है, इसी का एग्जांपल है। इनऑर्गेनिक डायमंड SiC, ये सभी किसके एग्जांपल हैं, ये चारों के चारों आपको याद रखने हैं। डायमंड है, रेड फॉस्फोरस है, सिलिकॉन कार्बाइड है, कोवलेंट सॉलिड के एग्जांपल है, SiO2 कोवलेंट सॉलिड का एग्जांपल है। इसमें अपन बात करें इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, SiO खूब सारे SiO2 है आपस में कोवलेंट बॉन्ड के से अटैच रहते हैं। एक SiO चार ऑक्सीजन से अटैच रहता है, जबकि हरे ऑक्सीजन 2 SiO से अटैच रहता है। ये किसका एग्जांपल हो गया, कोवलेंट सॉलिड का हो गया, इसीलिए इसके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। क्या होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। तो अपन देखते हैं अपने आंसर में, इट हैज ए जेंट कोवलेंट स्ट्रक्चर विद स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन एटम्स। इसकी विशाल सहसंयोजक संरचना होती है, जिसमें परमाणुओं के मध्य प्रबल सहसंयोजक बंध होता है। बिल्कुल सही बात है, इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नहीं होती। तो अपना आंसर कौन सा आ जाएगा, अपना फर्स्ट आंसर आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालन नहीं करता। बेटा जी अपने को पता है डायमंड जो है वो कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट नहीं करता, किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की। तो आंसर आ जाएगा अपना डायमंड। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन आयन दैट आर फ्री टू मूव। निम्नलिखित में से किसमें मुक्त रूप से घूमने वाले आयन नहीं होते। अभी कुछ देर पहले अपने सॉलिड बात की थी, जब सॉलिड कंडीशन होती है तो उसमें फ्री आयन नहीं रहते। तो अपने को दे रखा है इसमें एक्वस कंडीशन दे रखी, मिलेंगे लिक्विड में, मिलेंगे पर सॉलिड में नहीं मिलेंगे। अपना आंसर आ जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ए जॉइंट स्ट्रक्चर। किसकी जॉइंट स्ट्रक्चर नहीं है, ये अपन क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में अपन बात की थी। जो मॉलिकुलर सॉलिड होते हैं उनकी जॉइंट स्ट्रक्चर नहीं होती, डायमंड ग्रेफाइट सिलिकॉन डाइऑक्साइड इनकी जॉइंट स्ट्रक्चर होती हैं। तो आंसर आ जाएगा अपना थर्ड की जॉइंट स्ट्रक्चर नहीं होगी। नेक्स्ट बात करें, द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन फुलरीन। फुलरीन कार्बन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म है, अपर रूप है। इसमें कार्बन, देखो बेटा ध्यान रखना, जो डायमंड होता है, डायमंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ग्रेफाइट sp2 होता है, जबकि फुलरीन में भी कौन सा होता है, sp2 होता है। ये कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट नहीं करता, जबकि ये दोनों कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट करते हैं। तो फुलरीन में अपने पास हाइब्रिडेशन कौन सा आएगा बेटा जी, sp2 हाइब्रिडेशन आएगा। आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ ऑर्बिटल। निम्न में से कौन सा कक्षकों के संकरण में संदर्भ में सही नहीं है, ये याद रखना, सही नहीं।
शुद्ध परमाणु कक्षक संकेत कक्षकों की तुलना में स्थायी बंध बनाने से के लिए ज्यादा प्रभावी? नहीं बेटा जी, हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा वो अच्छा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा क्योंकि उसमें ज्यादा डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है, लो एनर्जी होती है उसकी, इसलिए ये पहला स्टेटमेंट ही अपना रॉन्ग हो गया है कि प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड देन हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो अपना आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट बात करें, द डिफरेंट इन एनर्जी बिटवीन द मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म एंड कंबाइंड एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड आण्विक कक्षक तथा मिश्रित होने वाले परमाणु कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतराल को कहा जाता है। बेटा जी, कोई भी एटम से मॉलिक्यूल बनता है तो वो स्टेबिलिटी के लिए बनता है, उससे एनर्जी बाहर रिलीज होती है, उस एनर्जी को अपन क्या बोल देते हैं, स्टेबिलाइजेशन एनर्जी कह देते हैं। क्या कहते हैं? स्टेबिलाइजेशन एनर्जी। स्थायित्व ऊर्जा कहते हैं, क्या कहते हैं? स्टेबिलाइजेशन एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट, द नंबर, निम्नलिखित से कौन सा कथन असत्य है? द नंबर ऑफ डॉट्स इन लेविस सिंबल इज रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल, द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हेल्प्स टू कैलकुलेट ग्रुप वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। बिल्कुल सही बात है, ग्रुप वैलेंसी इज गिवन एज मिनिमम माइनस द नंबर ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन। नो, रॉन्ग स्टेटमेंट है अपने पास कि इनर सेल के कारण अपन रिप्रेजेंट नहीं करते। तो आंसर आ जाएगा अपना थर्ड आंसर आ जाएगा फॉल्स स्टेटमेंट, असत्य पूछा है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें अपन, विच फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में बेटा जी लैटिस एनर्जी बिल्कुल काम आती है, आयनन एनर्जी बिल्कुल काम आती है, इलेक्ट्रॉन ईए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिल्कुल काम आती है, पर डेंसिटी का कोई रोल नहीं है, डेंसिटी का आयनिक बॉन्ड में कोई रोल नहीं है। तो आंसर आ जाएगा अपना सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करें, अकॉर्डिंग टू वीबीटी विच मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑक्सीजन ऑक्सीजन पॉजेस। वीबीटी के अनुसार ऑक्सीजन की कौन सी चुंबकीय गुणधर्म है? वीबीटी कहती है कि O2 कैसा है, डायमैग्नेटिक है। बेटा इसका स्पेशल ध्यान रखना, आप क्वेश्चन गड़बड़ करोगे। तो ये अकॉर्डिंग टू वीबीटी पूछ रहा है। एमओटी कहती है कि O2 कैसा है, पैरामैग्नेटिक नेचर का है, अपन इसमें एमओटी में देखते भी हैं, परंतु वीबीटी कहती है O2 कैसा है, डायमैग्नेटिक नेचर का है, क्योंकि उसके पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो दोनों की शेयरिंग करके दो बॉन्ड बना लेता है। तो वीबीटी क्या कहती है, ये डायमैग्नेटिक नेचर का होता है, कैसा होता है, डायमैग्नेटिक नेचर, पट्टी चुंबकीय। किसके अनुसार? वीबीटी के अनुसार। अगर यही बात वो पूछता एमओटी, यहां एमओटी ले लेता, यहां एमओटी ले लेता, आंसर अपना कौन सा आया था, फर्स्ट आया था। मैं फिर कह रहा हूं इस क्वेश्चन में आप गड़बड़ करके आए होंगे कि ये कैसा डायमैग्नेटिक नेचर का, किसके अनुसार, वीबीटी के अनुसार, और नॉर्मली O2 कहता कैसा है, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। ये किसने एक्सप्लेनेशन दिया था, ये एमओटी ने एक्सप्लेनेशन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करें अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड, कि किसमें आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। CO2 में अपन देखें नॉन मेटल और नॉन मेटल है, सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड है। H2SO4 में अपन देखें इसमें भी सारे कोवलेंट बॉन्ड ही प्रेजेंट है अपने पास, जबकि NH4Cl में देखें NH4Cl में प्लस और माइनस इनके बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया, आयनिक बॉन्ड हो गया, जबकि NH4 के अंदर कौन सा बॉन्ड है, NH4 के अंदर अपने पास कोवलेंट बॉन्ड है, कौन सा है, कोवलेंट बॉन्ड, जबकि इसके अंदर कौन सा है, आयनिक बॉन्ड है यहां पर। तो इसने आयनिक एंड कोवलेंट दोनों पूछे, तो आंसर आ जाएगा अपना थर्ड। कई बच्चे सोच रहे होंगे इसमें NH3 और H+ के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी तो है। बेटा जी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अपन कोवलेंट बॉन्ड ही मान लेते हैं क्योंकि वो इक्वल शेयरिंग होती है। अगर इसमें ऑप्शन होता आयनिक कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट तो भी अपन आंसर किसको देते, NH4Cl को ही देते। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड दैट ए मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर कैन हैव इज। एक हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, वाटर मॉलिक्यूल के लिए बात करें तो यहां एक दो तीन और चार, एक वाटर मॉलिक्यूल चार हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो अपने पास आंसर है फोर्थ, फोर्थ में ही चार दे रखा है तो आंसर आ जाएगा चार। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करें, विच वन अमोंग द फॉलोइंग डज नॉट हैव द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। फिनोल, फिनोल बेटा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, सॉरी फिनोल है, फिनोल में
हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए अपन नॉर्मली बोलते हैं जब जब हाइड्रोजन किससे अटैच हो, फोन से। हाइड्रोजन किससे अटैच हो, फोन से। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इनसे अटैच होगा तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिप्रेजेंट करेगा। अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिप्रेजेंट करती है, वाटर करता है, परंतु HCl लिक्विड HCl हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो आंसर आ जाएगा अपना फोर्थ। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिव द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द फैक्ट दैट कार्बन फॉर्म फोर बॉन्ड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह स्पष्ट करता है कि कार्बन चार बंध बनाता है। कार्बन के आउटर मोस्ट में, अपन नॉर्मली बोलते हैं जितने आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतने बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी नॉर्मली वो रखता है। कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार। तो चार बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो एक्साइटेड स्टेट शो नहीं करते, इसलिए वो अपने आउटर मोस्ट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों के इक्वल कोवलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नहीं रखते, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया। अब नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पांच होते हैं, तो उसे पांच कोवलेंट बॉन्ड बनाने चाहिए, परंतु उसके पास एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल नहीं होती क्योंकि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। इसलिए बेटा जी HCl5 का फॉर्मेशन नहीं होगा, OF4 का फॉर्मेशन नहीं होगा, OF6 का फॉर्मेशन नहीं होगा, जबकि अपन बात करें HCl3 का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये कंपाउंड हमारा देखा, बेटा ये नहीं देखा हुआ आपका, आपका कौन सा कंपाउंड देखा हुआ है, ClF3 का देखा हुआ है। ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, इन चारों का फॉर्मेशन नहीं होगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। तो अपना आंसर आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, द लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर इन द वन विद द फॉर्मल चार्ज ऑन द एटम। वह परमाणु जिसकी ऊर्जा न्यूनतम होगी उस पर फॉर्मल आवेश चार्ज क्या होना चाहिए बेटा, कम से कम होना चाहिए। फॉर्मल चार्ज होगा कम से कम होना चाहिए, किसका, स्मॉलेस्ट चार्ज होना चाहिए अपने पास उसके ऊपर, तभी वो स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मॉलिक्यूल विच हैव जीरो डायपोल मोमेंट। अपने पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि अगर सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं हो, लेटरल एटम कैसा हो, सेम हो, तो डायपोल मोमेंट अपने को कैसा मिलेगा, जीरो। ऐसा अपने को किसमें मिल रहा है, BF3 में मिल रहा है। इसके सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, लेटरल एटम सारे के सारे फ्लोरिन है, तो इसका डायपोल मोमेंट अपने को कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो आंसर आ जाएगा अपना थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, Which of the following molecule obey the octet rule? निम्नलिखित में कौन सा अणु अष्टक नियम की पालना करता है? BF4 आठ इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, AlCl3- आठ इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, SO2, SO2 में आठ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे अपने को, ये लोन पेयर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, ये हाइपरवैलेंट हो गया, कैसा, हाइपरवैलेंट। अष्टक प्रसार, जबकि CCl4 में कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा 1 सेकंड एंड फोर्थ। ऐसा आंसर किसमें है, थर्ड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए पेयर ऑफ कंपाउंड विच हैव ऑड इलेक्ट्रॉन इन द ग्रुप, NO है, NO के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 7 एंड 8, 15 इलेक्ट्रॉन हुए इसके पास, जबकि CO के पास 14 इलेक्ट्रॉन हुए, इसके पास भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है बेटा जी, ये ऑक्टेट रूल में आप देखते हो, ये भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, इसमें कोई ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कौन सी हो गई अपने पास, फर्स्ट आंसर आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट बात करें अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विल फॉर्म एन इलेक्ट्रोवैलेंट, इलेक्ट्रोवैलेंट मतलब आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का जो फॉर्मेशन करता है उन्हें वो आयनिक बॉन्ड होता है, उसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आपस में आयनिक बंध बनाता है, बेटा देखो ये दोनों नॉन मेटल, नॉन मेटल है, नॉन मेटल नॉर्मली कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, इन दोनों के बीच में ये लेविस बेस है, ये लेविस एसिड है, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट, इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, किसका, कोऑर्डिनेट। ये मेटल है, ये नॉन मेटल, कैल्शियम हाइड्राइड, ये कैसा, इसको हाइड्रोलिथ बोलते हैं, इसका दूसरा नाम भी याद रखना, इसको हाइड्रोलिथ बोलते हैं, इसका यूज हाइड्रोजन
लेने के लिए किया जाता है, ये कैसे नेचर का होता है? आयनिक नेचर का होता है। कैसे नेचर का होता है? आयनिक नेचर का होता है। इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे, इसके रिएक्शन इंपोर्टेंट है बेटा जी, प्लस H2 का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? H2 का फॉर्मेशन होगा। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिथ बोलते हैं। तो आयनिक बॉन्ड किसके बीच में मिलेगा? हाइड्रोजन एंड कैल्शियम के बीच में मिलेगा। तो आंसर आ जाएगा अपना थर्ड। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज ग्रेटेस्ट आयनिक कैरेक्टर, मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर किसमें है? निम्नलिखित में से किस अणु में अधिकतम आयनिक कैरेक्टर है? बेटा जी, आयनिक कैरेक्टर, आयनिक बॉन्ड बनाने का नेचर मेनली किसका है? फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स का है। और ये अच्छा आयनिक बॉन्ड किनके साथ बनाते हैं? हैलोजन्स के साथ बनाते हैं। तो इसमें देखिएगा, इसमें फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप का कौन है वो हैलोजन के साथ हो, तो अपने पास आंसर आ जाएगा BaCl2 बेरियम क्लोराइड। ये अच्छा आयनिक यौगिक होगा इनके बीच में, तो ये तो दोनों नॉन मेटल है, ये भी दोनों नॉन मेटल है, तो अपन आंसर दे देंगे फोर्थ। इसमें आंसर आ जाएगा अपना फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल कोवेलेंट कैरेक्टर इज फेवरेबल कंडीशन। फजान्स रूल क्या बोलता है बेटा जी? अगर केटाइन की साइज बड़ी, एनायन की साइज स्मॉल, ये कौन है? केटाइन। और ये कौन है? एनायन। ये कौन है? केटाइन। और ये कौन है? एनायन। अगर केटाइन छोटा और एनायन बड़ा, अगर केटाइन बड़ा एनायन छोटा और केटाइन छोटा एनायन बड़ा, इस कंडीशन में आयनिक कैरेक्टर आएंगे। जबकि इस कंडीशन में कोवेलेंट कैरेक्टर आएंगे। क्या आएंगे? कोवेलेंट कैरेक्टर आएंगे। तो ये पूछना चाहता फजान्स का, कोवेलेंट कैरेक्टर कब ज्यादा होंगे? जब केटाइन छोटा एंड एनायन बड़ा हो। केटाइन स्मॉल, केटाइन एंड लार्ज एनायन। तो अपना आंसर आ जाएगा थर्ड। आंसर आ जाएगा क्या देगा? थर्ड आंसर, छोटा धनायन बड़ा रणायन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, हैलाइड आयनों की ध्रुवणता का बढ़ता क्रम है। बेटा जी, जितना बड़ा एनायन होगा, जितना बड़ा एनायन होगा उसकी पोलराइजेशन उतना ज्यादा होगा, उसका पोलराइजेशन उतना ज्यादा होगा। पोलराइजेशन कौन करता है? पोलराइजेशन केटाइन करता है। किसका? एनायन का। तो केटाइन स्मॉल होगा और एनायन लार्ज हो, इस कंडीशन में क्या होगा कि पोलराइजेशन ज्यादा होगा। किसका? एनायन का। तो सबसे बड़ा एनायन कौन है? आयोडीन। और सबसे स्मॉल एनायन कौन है? फ्लोराइड। फिर फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। आंसर आ जाएगा अपना फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, यूजिंग वेस्पर थ्योरी प्रिडिक्ट द स्पीसीज विच हैज स्क्वायर पिरामिडल शेप। स्क्वायर पिरामिडल शेप बेटा कौन से हाइब्रिडेशन में आती है? स्क्वायर पिरामिडल अपने पास sp3 इसमें आएगी, sp3d2 में। कंडीशन कौन सी? 5 सिग्मा एक लोन पे रह जाए, 5 सिग्मा एक लोन पे रह जाए, तो उस कंडीशन में अपने को क्या मिल जाएगा? स्क्वायर पिरामिडल शेप मिल जाएगी। 5 सिग्मा एक लोन पे अपने को किसमें मिल रहा है? BrF5 में मिल रहा है। इसमें तो कौन सा हाइब्रिडेशन है? sp3 हाइब्रिडेशन है। इसमें कौन सा है? sp2 है। इसमें भी कौन सा है? sp2 है। तो अपना आंसर आ जाएगा फोर्थ, BrF5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल, कौन सी संरचना अधिकतम स्थायी है? बेटा जी, लोन पेयर को अपने को मैक्सिमम एंगल पर रखना है। अपने sp3d हाइब्रिडेशन में देखा है, sp3d हाइब्रिडेशन में पहला लोन पेयर अपन कहां रखते हैं? इक्विटोरियल पोजीशन रखते हैं, क्योंकि इक्विटोरियल पोजीशन पर वह दो बॉन्ड पेयर के साथ 90 डिग्री पर रहता है। अगर उसे अपन एक्सियल पोजीशन में रख देंगे तो 3 बॉन्ड पेयर के साथ 90 पर रहेगा, जिसके कारण रिपल्शन ज्यादा होगा। तो sp3d हाइब्रिडेशन में अपन लोन पेयर कहां अरेंज करते हैं? इक्विटोरियल पोजीशन में अरेंज करते हैं। तो मोस्ट स्टेबल इक्विटोरियल पोजीशन में कहां मिल रहा है अपने को? फर्स्ट में ही मिल रहा है। कहां मिल रहा है? फर्स्ट में। ये टी शेप स्ट्रक्चर अपने को मिलती है दो लोन पेयर होने पर। तो अपना आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड फॉर्मड इन द ऑर्डर ऑफ इन सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के लिए बात करें बेटा जी, ओवरलैपिंग दो चीजों पर डिपेंड करती है, पहली साइज पर और दूसरी किस पर? डायरेक्शनल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है।
अगर साइज सेम आ रही है तो अपन किससे देखेंगे, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी देखेंगे। ये सेम सेल के हैं तो डायरेक्शन प्रॉपर्टी पी में ज्यादा होती है, एस में कम होती है। तो सबसे अच्छी ओवरलैपिंग कौन सी होगी, पीपी, फिर एसपी और फिर एसएस। ऐसा देखते हैं किसमें, पीपी ओवरलैपिंग, पीएस ओवरलैपिंग, एसएस। सेकंड आंसर आ जाएगा अपना, कौन सा आ जाएगा, सेकंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम। केंद्रीय परमाणु के पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या का बढ़ता हुआ क्रम है। अपन बात करें बेटा जी, जिनोन के पास इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, इसके पास कितने हैं, CLF3 के पास दो लोन पेयर हैं, IF5 के पास एक लोन पेयर है, इसके पास तीन लोन पेयर है, इसके पास जीरो लोन पेयर है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर देखें तो जिनोन F2, CLF3, IF5 एंड IF7 फर्स्ट आंसर अपना आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें, Among the following molecules, SO2, SF4, CLF3, BRF5 and Xenon F4, which of the following shape does not describe any of the molecules? निम्न में कौन सी संरचना निम्न दिए गए अणुओं में से किसी के द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती, इसकी संरचना कैसी होती है बेटा, स्क्वायर प्लेनर। इसकी संरचना होती है स्क्वायर पिरामिड, इसकी संरचना होती है टी शेप, इसकी संरचना होती है पाई शेप, इसकी संरचना होती है वी शेप। तो अपन देख रहे हैं इन चार, इनमें से पांचों में से कौन सी संरचना किसी के द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती। अपन ने देखा तिकोनी, पाई शेप को अपन सीसो शेप भी बोल देते, सीसो शेप भी बोल देते हैं। तो आंसर आ जाएगा अपने पास सेकंड, कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप है वो किसी के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए सिग्मा बॉन्डेड मॉलिक्यूल MX3 इज टी शेप, द नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग पेयर, नॉन बॉन्डिंग पेयर मतलब लोन पेयर, टी शेप संरचना कब बनती है बेटा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन कंडीशन, तीन सिग्मा दो लोन पेयर, तो कितने लोन पेयर हैं, दो लोन पेयर, तो आंसर आ जाएगा अपना सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज प्लेनर, कौन सा मॉलिक्यूल प्लेनर है बेटा, पिरामिड वर्ड कहीं भी लग गया वो नॉन प्लेनर ही होगा। ये टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल नॉन प्लेनर होता है, ये पिरामिडल है, जबकि ये कैसा है, स्क्वायर प्लेनर। इसकी कैसी, पाई शेप, टी शेप, वो नॉन प्लेनर होती है। तो आंसर आ जाएगा अपना सेकंड आंसर आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, सेकंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, द शेप ऑफ स्टेनस क्लोराइड, द शेप ऑफ स्टेनस क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड के लिए बोल रहे हैं SnCl2, इसके पास बेटा जी एक लोन पेयर होता है, इसके पास एक लोन पेयर होता है, दो बॉन्ड पेयर होते हैं, तो इसकी संरचना अपने को कैसी मिलेगी, कोणीय या बैंड शेप बोल सकते हैं इंग्लिश में, अपन क्या बोल सकते हैं, बैंड शेप। नेक्स्ट बात करते हैं, द एंगल बिटवीन द ओवरलैपिंग ऑफ 1s एंड 1p, एक s है और एक p है, वो दोनों आपस में कितने पर रहेंगे, 180 डिग्री, दो एटम के बीच में हमेशा 180 डिग्री एंगल मिलेगा। तो अपना आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाइब्रिड ऑर्बिटल, टू एटम्स एंड ईच हैविंग वन इलेक्ट्रॉन लीड्स टू, कह रहे दो संकरित कक्षकों के मध्य रेखीय संयोजन से बना बंद होगा, रेखीय संयोजन मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ से आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ से आ रहा है, तो उनके बीच में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कौन से, सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन होगा। और संकरित कक्षक तो वैसे भी हाइब्रिड ऑर्बिटल वैसे भी किसका फॉर्मेशन करते हैं, हमेशा ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एज एस कैरेक्टर ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल इंक्रीज द बॉन्ड एंगल, एस कैरेक्टर इंक्रीज होंगे तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज ही होगा। जैसे एसपी में एंगल कितना मिलता है अपने को, 180,
sp2 में कितना मिलता है 120 एंड sp3 में कितना मिलता है 109 डिग्री 28 मिनट मिलता है। तो जब जब s करेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं तो बोन एंगल भी डिक्रीज हो रहा है, तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन CH3+ एंड CH4। CH4 में कैलकुलेट करोगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, CH3+ में कैलकुलेट करोगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, क्योंकि एक लोन पे नहीं है, तो आंसर आ जाएगा अपना sp2 एंड sp3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CH बॉन्ड इन बेंजीन इज, बेटा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के एक सिंगल बॉन्ड होता है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, एवरेज बॉन्ड बिटवीन टू एटम, दो एटम के बीच में एवरेज बॉन्ड को क्या कहते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। तो अपना आंसर आ जाएगा फर्स्ट, बेंजीन में कार्बन हाइड्रोजन बंध का बंध क्रम कितना होगा, एक होगा। नेक्स्ट बात करें, O2-1 O2 एंड O2-2 मॉलिक्यूलर स्पीसीज द टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आर, O2-O2 तथा O2-2 अणुओं में प्रतिबंधी मतलब एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है। O2 में बात करें, इनमें डायग्राम बनाएं, O2- में 17 इलेक्ट्रॉन है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 14, 15, 16 and 17, ये ABMO है, ये BMO है, ABMO, BMO, ABMO, BMO, डायग्राम आपका देखा हुआ है। तो ABMO में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, एक पहले में 7 है, सेकंड में बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर दें तो यहाँ कितने आ जाएंगे 6, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर दें तो अपने पास कितने आ जाएंगे 8। तो अपना पहला ही आंसर आ जाएगा कि 41 कौन सा, O2-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, O2 में 6 एंड O2-2 में 8 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ C3O2 को बेटा क्या बोलते हैं, C3O2 का नाम याद रखना है, इसको कार्बन सब ऑक्साइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्बन सब ऑक्साइड। इसमें ये कार्बन लीनियर कंडीशन में होते हैं, कैसे होते हैं लीनियर, सभी में sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो ऐसी स्ट्रक्चर देखें तो अपने कहां मिलेगी, फोर्थ में मिल जाएगी, इसमें फोर्थ में। सिलेक्ट द मोस्ट स्टेबल केटाइन, बेटा जी केटाइन किससे बना है उस पर भी डिपेंड करता है, जैसे NH3 फिर एक का प्रोटोनेशन कर रहा है H+, तो क्या बनेगा NH4+ बनेगा, ये तो स्टेबल है ही नहीं, ये तो बनता ही नहीं है, क्यों नहीं बनता है, क्योंकि CH4 है उससे H+ अटैच ही नहीं हो पाता, H+ तभी अटैच होगा, ये लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगा और यहाँ पर कोई लेविस बेस आएगा तभी रिएक्शन होगी, वरना रिएक्शन नहीं होगी। तो CH4 लेविस बेस नहीं है तो इसका फॉर्मेशन होगा ही नहीं। FH2+ की बात करें, इसका फॉर्मेशन भी नहीं हो पाएगा, स्टेबल ज्यादा नहीं होगा, ये इसको दे तो सकता है पर इसकी स्टेबिलिटी इतनी नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन के लोन पे देने की टेंडेंसी नहीं होती। इन दोनों में बात करें, H2O की रिएक्शन में नहीं, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसको ध्यान रखना तुमसे, ये लेविस बेस है और ये लेविस एसिड है, तो यहां क्या बनेगा SCU+। इनमें बात करें, लेविस एसिड तो सेम है परंतु लेविस बेस के लिए बात करें तो EN बढ़ने पर लेविस बेस की बेसिक नेचर क्या होती है, डिक्रीज होती है, मतलब लोन पेयर देने की टेंडेंसी डिक्रीज होती है। यहाँ EN ज्यादा है, H2O में EN ज्यादा है, यहाँ EN कम है, तो NH3 की लेविस बेसिक नेचर ज्यादा होगी किसके कंपेयर में, H2O के कंपेयर में, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, एक तो आप ये बता सकते हैं। दूसरा आप ये बता सकते हैं कि इसमें बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट आ रहा है, जबकि इसमें बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है 107 के आसपास आएगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज, रिपल्शन कम, तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो अपना आंसर आ जाएगा फर्स्ट, NH4+। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, PO बॉन्ड, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन बताना है। PO बॉन्ड लेंथ ऑर्डर,
PO4-3 HPO3-2 H2PO2-1। इसको अपन बॉन्ड ऑर्डर के बेस पर देंगे बेटा। बॉन्ड ऑर्डर देखिए अपन, इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 1 2 3 4 5 5 by 4 1.25। इसमें बात करें 1 2 3 4 4 by 3 1.33। इसमें बात करें 1 2 3 3 by 2 1.5। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा किसका, इसका, तो बॉन्ड लेंथ इसकी कम आएगी। पिछली बैक साइड चलते हैं, तो कह रहे हैं बॉन्ड लेंथ ऑर्डर, बिल्कुल सही बात है ये, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बिल्कुल सही है। इसमें बात करें इधर एस कैरेक्टर, इधर पी कैरेक्टर रहेंगे, तो इधर क्या रहेंगे, एस कैरेक्टर रहेंगे, बैंड टूल लगाते हैं। इधर क्या रहेंगे, एस कैरेक्टर रहेंगे, तो इस और क्या रहेंगे, पी कैरेक्टर रहेंगे। तो पी कैरेक्टर जिधर, एस कैरेक्टर जिधर ज्यादा होंगे, बॉन्ड एंगल उधर ज्यादा होगा। या अपन दूसरे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, इनकी ईएन ज्यादा है तो ये इसको नीचे की ओर खींचेंगे तो ये बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, तो ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जबकि इसमें कार्बन की ईएन ज्यादा है तो ये कार्बन ऊपर की ओर ले जाएगा, तो इनके बीच में रिपल्शन इंक्रीज हो जाएगा, तो ये बॉन्ड एंगल ये इंक्रीज हो जाएगा तो ये डिक्रीज हो जाएगा। तो थीटा टू बड़ा होगा किससे, थीटा वन से। ये भी सही है, बिटवीन सी टू एंड सी टू एच टू, सी एच इज स्ट्रॉन्गर इन सी टू एच टू, ये बिल्कुल सही बात है। सी टू एच टू की बात करें, ट्रिपल बॉन्ड सी एच हुआ एक एंड सी एच एच हुआ, ये एस पी एस ओवरलैपिंग है, ये एस पी टू एस ओवरलैपिंग है, एस पी एस ओवरलैपिंग अच्छी होती है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट राइट हैं, ऐसा अपने पास ऑप्शन सेकंड में दे रखा है, तो अपना आंसर आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन हैज लोवेस्ट डाइपोल मोमेंट। बेटा जी, अगर किसी की लीनियर शेप मिल रही है अपने, अगर किसी की लीनियर शेप मिल रही है तो उसका डाइपोल मोमेंट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। इसमें अपन ने देखा एसपी है, इसमें भी एसपी है, तो इनकी सबकी डायरेक्शन किधर आएगी, इधर की ओर, इनकी सबकी डायरेक्शन किधर आएगी, इस ओर, तो इसका डाइपोल मोमेंट अपने को कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। जबकि यहां बात करूं तो यहां अपने को जीरो इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि इसमें क्या आ गया, एसपी टू हाइब्रिडेशन आ गया, तो इसमें कैंसिल नहीं हो पाएगा, इसलिए इसका जीरो नहीं मिलेगा। तो आंसर आ जाएगा अपना, फर्स्ट आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज मैक्सिमम एटम आर प्रेजेंट इन सेम प्लेन। निम्न में से किस अणु में अधिकतम परमाणु समान तल में। बेटा ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए अपने को ये देखना है कि एक तल में मैक्सिमम कितने परमाणु हैं। इनमें आप गड़बड़ क्या करते हो, सेंट्रल एटम को काउंट नहीं करते हो। जैसे मैंने बात की जिनोन फ्लोरिन बैंड रूल लगाओगे इस पर, अपने को तो टोटल एटम काउंट करने हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर देखें, इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो गई, पाई शेप हो गई। कैसी हो गई, पाई शेप। पाई शेप को अपन ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, इसको ब्रेक किया तो कितने एटम एक प्लेन में मैक्सिमम आ जाएंगे, 1 2 3। ऐसे काटा तो 3 आ जाएंगे, अगर ऐसे काटेंगे तो एक परमाणु बाहर रहेगा, एक एटम बाहर रहेगा, तो 1 2 3 4 एटम एक प्लेन में आएंगे। पीसीएल 5 के लिए देखें ये कैसा है, पाई शेप, सॉरी बाईपिरामिडल है, कैसे, प्लेनर ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। इसको ब्रेक करोगे, इस हिसाब से ब्रेक करोगे तो कितने परमाणु, 3 तो पार्श्व परमाणु और एक केंद्रीय परमाणु आ जाएगा, इसमें भी टोटल 4 आएंगे। जबकि इसके लिए देखें, इसमें तो चतुष्फलकीय संरचना टेट्राहेड्रल शेप है, तो इसमें तो कितने आएंगे, 3 ही आएंगे। जिनोन F4 के लिए आप देखो तो जिनोन F4 एक स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो इसमें कितने आएंगे बेटा जी, ये कैसे है, इस हिसाब से है, स्क्वायर प्लेनर, फ्लोरीन यहाँ है, फ्लोरीन यहाँ है, फ्लोरीन यहाँ है, फ्लोरीन है। इसको ऐसे ब्रेक करोगे तो मैक्सिमम कितने सारे आइटम एक प्लेन में आ रहे थे, प्लेनर स्ट्रक्चर मिल रही है, तो मैक्सिमम 4 तो फ्लोरीन आ रहे हैं, एक जिनोन आ रहा है, 5 परमाणु, 5 आइटम एक प्लेन में है, तो अपना आंसर आ जाएगा कौन सा, 4th आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ साइनाइड CN, CN प्लस एंड CN माइनस इन द ऑर्डर। बेटा ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जब भी डायटॉमिक के लिए स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो अपन नॉर्मली किसको लेकर आते हैं, MOT को लेकर आना, MOT से जल्दी से बॉन्ड ऑर्डर काउंट करना, बॉन्ड ऑर्डर काउंट करने के बाद आप देख लेना
कि अपने को पता है बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी किसको रिप्रेजेंट करती है? बॉन्ड एनर्जी स्टेबिलिटी को ही रिप्रेजेंट करती है। और इनवर्स होता है किसके? बॉन्ड लेंथ। तो अपने बॉन्ड ऑर्डर काउंट किया, सी एन प्लस का अपने कितना इलेक्ट्रॉन हुए, कितने अपने पास 12 का मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2, सी एन 13 का मतलब 2.5, 14 का मतलब कितना आया 3। तो अपने बोला स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना है, तो सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका है? 2 नंबर का, फिर सी एन प्लस का, फिर सी एन का, फिर सी एन माइनस का। ऐसा अपने को इसी ऑप्शन में मिल रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर। सॉरी, ये तो अपने को सबसे ज्यादा कौन स्टेबल? सी एन माइनस, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 3 था, इसका 2.5 था, इसका 2 था, तो सबसे ज्यादा सी एन माइनस, फिर सी एन और फिर सी एन प्लस। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, 47 का अपना आंसर आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट बात अपन करते हैं, इसके लिए थोड़ा सा एक ट्रिकी मेथड आपको बता रहा हूं मैं। जल्दी से किसी का बॉन्ड ऑर्डर काउंट करना है तो आप क्या करना, 14, जब भी 14 इलेक्ट्रॉन हो तो बॉन्ड ऑर्डर इसका अपने को कितना मिलेगा? बॉन्ड ऑर्डर इसका अपने को 3 मिलेगा। कितना मिलेगा? 3 बॉन्ड ऑर्डर मिलेगा अपने को। 14 से जैसे जैसे ऊपर जाओगे 20 पर बॉन्ड ऑर्डर कितना मिलेगा? 0। 15 पर बॉन्ड ऑर्डर मिलेगा अपने को 2.5, 0.5 से डिक्रीज होता जाएगा। 16 पर कितना मिलेगा अपने को? 2। 17 पर कितना मिलेगा अपने को? 1.5। 18 पर अपने को कितना मिलेगा? 1। 19 पर अपने को कितना मिलेगा? 0.5। कितना मिलेगा? 0.5। और 20 पर कितना मिलेगा? 0। इस ओर चलते हैं, 8 पर कितना है? 8 पर बेटा जी 0 है। 9 पर कितना मिलेगा? 0.5। 10 पर कितना मिलेगा? 1। 11 पर कितना मिलेगा? 1.5। 12 पर कितना मिलेगा? 2। 13 पर कितना मिलेगा? 2.5। इधर देखिए 2, 4, 6 इस पर कितना मिलेगा अपने को? 1, 0, 1। बाकी जो भी बीच में रह गया सब पर कितना मिलेगा? 0.5 मिलेगा। कितना मिलेगा? 0.5। जैसे आपको पूछे एक इलेक्ट्रॉन हो तो कितना आएगा? 0.5। 3 हो तो कितना आएगा? 0.5। 5 हो तो कितना आएगा? 0.5। 7 हो तो कितना आएगा? 0.5। तो इस ट्रिकी मेथड से आप किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर जल्दी से काउंट कर सकते हो। अपने सिलेबस में नियम तक है, तो 2 पर 1 है, 4 पर 0 है, 6 पर 1 है, बाकी 8 तक अपन बात करेंगे तो सब पर 0.5 मिलेगा। 8 से ऊपर चलेंगे 0.5 से इंक्रीज, 14 से इधर चलेंगे 0.5 से डिक्रीज, इधर भी 0.5 से डिक्रीज, 20 पर कितना मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। ये ट्रिकी मेथड ध्यान रखो, सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन डज नॉट इन्वॉल्व पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। देखो बेटा जी, पहली बात तो ये बात कर लेते, डी के लिए बात कर लेते। ये क्वेश्चन तो ऑप्शन को देखकर बहुत इजी है आया हुआ क्वेश्चन है ऐसा ही, कि निम्न में से किस अणु में पी पाई डी पाई बंद उपस्थित नहीं है। सीधी सी बात है, इसका पता लगाने का, तो सल्फर में डी होते हैं हो सकता है, फॉस्फोरस में डी होते हैं हो सकता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है दो यहाँ पर नाइट्रेट आयन में, इनमें तो डी होते ही नहीं है, तो यहाँ पाई बॉन्ड में डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा नहीं। वैसे सीधा देखा जाए तो अपना आंसर कौन सा आ गया? थर्ड आंसर आ जाएगा। इसमें देखा, इसमें अपने क्या जीनोन है, जीनोन का क्या आएगा? डी आ सकता है। एक नोट यहां पर अपने ध्यान रखना, जल्दी से करने का तरीका, इफ सेंट्रल एटम है sp2 hybridization, यदि केंद्रीय परमाणु में sp2 hybridization है, इफ सेंट्रल एटम है sp2 hybridization, देन वन पाई बॉन्ड, then one pi bond formed by p pi overlapping and other pi bond p pi d pi over। यदि केंद्रीय परमाणु में सेंट्रल एटम में sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो जितने भी पाई बॉन्ड बनते हैं उनमें से एक तो बेटा जी बनेगा पी पाई से, और बाकी जो भी बच जाएगा वो पी पाई डी पाई से बन जाएगा। इसे पी पाई डी पाई से बनेगा। अगर सेंट्रल एटम में sp3 और अदर, अदर मतलब
अदर का मतलब क्या हुआ? अदर जैसे sp3d आ गया, sp3d2 आ गया, ये हाइब्रिडेशन होंगे, जितने भी पाई बॉन्ड बनेंगे, ऑल पाई बॉन्ड फॉर्म्ड बाय पी पाई डी पाई, सारे पाई बॉन्ड किससे बनेंगे? पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग से बनेंगे। ये तरीका याद रखो, बाकी सारे हो जाएंगे। अब देखो सल्फाइट आयन है, सल्फाइट आयन में हाइब्रिडेशन sp3 है, इसमें जितने ही पाई बॉन्ड बनेंगे किससे बनेंगे? पी पाई डी पाई से बनेंगे। फॉस्फेट आयन आया, फॉस्फेट आयन में जितने पाई sp3 हाइब्रिडेशन है, इसमें भी पी पाई डी पाई से बनेंगे। NO3-1 है, sp2 हाइब्रिडेशन है, इसमें पाई बॉन्ड एक ही है, जो एक पाई बॉन्ड बना है वो तो किससे बनेगा बेटा? पी पाई से बनेगा। किससे बनेगा? पी पाई अपन वैसे ही बता सकते हैं कि इसमें क्या है, इसमें तो डी है ही नहीं, परंतु आप इसके लिए बात करते, जैसे अपन बात करते SO3 में तीन पाई बॉन्ड है, SO3 में तीन पाई बॉन्ड है, तो इनमें से एक तो बनेगा किससे? पी पाई से, और बाकी दो बन जाएंगे पी पाई डी पाई से बन जाएंगे। तो ये ट्रिक याद रखना, इससे जितने पी पाई डी पाई के क्वेश्चन आए हैं वो सारे आपसे सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें अपना आंसर आ गया था ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का सही क्रम है। देखो बेटा जी, बॉइलिंग पॉइंट के लिए बात करें, किसके लिए बात करें? बॉइलिंग पॉइंट के लिए, बॉइलिंग पॉइंट के लिए बात करें, बॉइलिंग पॉइंट में अपन हाइड्रोजन बॉन्ड को सीनियरिटी देंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा किस में होता है? HF में होता है, और वीक किस में होता है? NH3 में। फिर कौन आ जाता है? H2O, सॉरी H2S है। तो अपना आंसर आ जाएगा ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा HF, फिर NH3, फिर H2S, इसका आंसर आ जाएगा। परंतु अगर आपको कुछ अलग बातें बताएं थोड़ी सी, जैसे HF, HI, HBr एंड HCl, ये होते बेटा जी बॉइलिंग पॉइंट का है, क्योंकि जो HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इस पर डिपेंड करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर डिपेंड करता है। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो ज्यादा किसका आएगा? HI, फिर HF, फिर HBr एंड फिर कौन आएगा? HCl आएगा। ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा। यहां पर HF एक पॉइंट पीछे खिसक जाएगा, वो इसलिए कि सॉलिड स्टेट में HF की स्ट्रक्चर कैसी होती है? ZigZag स्ट्रक्चर होती है, और जो मेल्टिंग पॉइंट या ठोस अवस्था है, सॉलिड अवस्था है, वो किस पर डिपेंड करती है? पैकिंग कैपेसिटी पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? पैकिंग कैपेसिटी पर डिपेंड करती है। इसकी ZigZag कंडीशन में पैकिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं होती, इसलिए पीछे खिसक जाता है। ऐसा सेम टू सेम इफेक्ट किसमें पड़ता है? अमोनिया वाले ग्रुप में इफेक्ट पड़ता है इसका। अगर अमोनिया वाला ग्रुप देखा जाए, अमोनिया वाले ग्रुप में NH3 SbH3 AsH3 एंड PS3, ये किसका ऑर्डर आएगा बेटा? ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आएगा, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आएगा। और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखते हैं, BH3 NH3 AsH3 एंड PS3, ये किसका आता? बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आता। बॉइलिंग पॉइंट में ये अमोनिया पीछे आ गया, क्यों? अमोनिया में वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अमोनिया में वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि मेल्टिंग पॉइंट देखा जाए तो अमोनिया का ज्यादा होता है, क्योंकि अमोनिया की मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड स्टेट में कंडीशन स्ट्रक्चर कैसी होती है? लीनियर शेप होती है, इसलिए उसकी अच्छी पैकिंग होती है। अच्छी पैकिंग होने के कारण उसकी बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ये स्पेशल रीजंस में ध्यान रखें, वरना आपको कंफ्यूज कर देते हैं। वाटर वाले में, H2O वाले में इनका इसका पैकिंग कैपेसिटी का इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही ज्यादा इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स आर, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का बीच में क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स आर आइसोमेरिक विद ईच अदर बट देयर एक्वस सॉल्यूशन डिफरेंट मॉलिक्यूलर कंडक्टिविटी, निम्न में से कौन सा संकुल आपस में समावयवी है तथा इनके जलीय विलयन भिन्न भिन्न मोलर चालकता दर्शाते हैं? बेटा समावयवी होना चाहिए, मोलर चालकता भी अलग अलग होनी चाहिए। अब देखते हैं अपन, यहाँ दो Br है, यहाँ दो Cl है, यहाँ एक NO2 है, यहाँ एक Cl है बार, इन दोनों पर सब पर चार्ज दोनों पर सेम है, यहाँ दो Cl है, दो Cl है, यहाँ कंडीशन आइसोमेरिक फॉर्म तो है ये, पर चालकता अलग अलग नहीं है। चालकता अपनी यहां देखें
देखो बेटा, अगर नंबर ऑफ आयन अलग अलग हो, चालकता या कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? एक तो नंबर ऑफ आयन्स पर डिपेंड करती है, सेकंड अगर नंबर ऑफ आयन अगर अपने को सेम मिल रहे हैं तो अपन क्या देखेंगे, चार्ज को देखेंगे। जितना ज्यादा चार्ज होगा कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। इनमें चार्ज अपने को सेम मिल रहा है, पर यहां देखो कि बेटा जी इस पर माइनस टू है और इस पर कितना है, प्लस टू है, जबकि इस पर माइनस वन है, इस पर क्या है, प्लस वन है। तो यहां देखो ये अंदर चला गया यहाँ पर सल्फेट आयन और बी आर बाहर आ गया, तो ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म तो है और साथ में कंडक्टिविटी कैसी है, अलग अलग है। इसकी कंडक्टिविटी अपने को ज्यादा मिलेगी किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में अपना आंसर आ जाएगा फोर्थ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सिंस PTNS3 का होल ट्वाइस Cl2 इज एन एंटी कैंसर कंपाउंड, बिल्कुल सही बात है बेटा। सिंस PTNS3 का होल ट्वाइस Cl2 का यूज एंटी कैंसर योगिक के फॉर्म में किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। विटामिन B12 में कोबाल्ट धनायन उपस्थित होता है, बिल्कुल इसमें डी ब्लॉक धातु कौन सी, B12 में कोबाल्ट होती है। क्लोरोफिल में MN, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया अपना, क्लोरोफिल में MN नहीं MG मैग्नीशियम होता है, क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, तो अपना रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी अभी अपन ने बात की थी बेटा, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी आता है, क्या आता है, बॉन्ड एनर्जी। N2 में बात करें ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। Li2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, अभी अपन ने ट्रिक बताई थी 14 में 3 था, 6 है, 6 पे कितना था 1। हीलियम Hg2 0, 4 पर 0 था और 2 16 पे कितना था 2। तो अपने ट्रिक से अपन करेंगे फटाक से आंसर आ जाएगा। तो हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर पूछा है तो किसका आ गया, फर्स्ट का हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर अपने पास आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें अपन, अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज आइडेंटिफाई द पेयर हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर, सेम बॉन्ड ऑर्डर बताना है अपने को। अपने देखो बेटा CN- अपने ट्रिक से कीजिए, जो अभी अपने ट्रिक की थी CN- टोटल इलेक्ट्रॉन हुए अपने पास 14 पे कितना आया था 3। O2-1 कितने हुए 17 पे कितना था अपना 1.5। NO+ इलेक्ट्रॉन कितने हुए 14 पे कितना था बेटा जी अपने पास 3। CN+ 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन में अपना बॉन्ड ऑर्डर आता है 2। तो सेम बॉन्ड ऑर्डर किसका मिल रहा है अपने को, CN- एंड NO+ का मिल रहा है, तो आंसर आ जाएगा अपना थर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी ट्रिक अप्लाई करो, ये सारे क्वेश्चन बॉन्ड ऑर्डर के जितने भी क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। और दूसरा, बॉन्ड ऑर्डर से दो ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, MOT से मेनली दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड, बॉन्ड ऑर्डर अगर आपने को आ गया तो अपन बॉन्ड एनर्जी बता सकते हैं, बॉन्ड लेंथ बता सकते हैं। दूसरा आपको पूछता है पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उसका भी सीधी सी ट्रिक अपने बताएं कि अगर ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन तो कैसे होंगे, पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक मतलब अनुचुंबकीय होगा। किसको काउंट करना है साथ में, 10 एंड 16 को इसी में काउंट करना है, 10 एंड 16 को अपन इसी में काउंट करेंगे। अगर इवन नंबर इलेक्ट्रॉन आ जाए, अगर इवन नंबर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये डायमैग्नेटिक होगा, किसको छोड़कर, 10 एंड 16 को अपने को इसमें से छोड़ देना है, 10 और 16 को अपने को इसमें से छोड़ देना है। तो इसको आप अप्लाई कर सकते हो MOT में ये दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्रोमियम CNS NS3 का होल थ्री होल NS3 होल फाइव संकुल ये होगा, इसके लिए पूछे क्या क्या चीज होगी। इसके लिए बात करें इस पर -2 आएगा, तो इस पर कितना आएगा +2 आएगा। तो क्रोमियम यहां पर किसमें आ गया, +3 में आ गया, क्योंकि इस पर -1 होता है। क्रोमियम +3 में कैसे कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, कैसे होता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। और साथ में दो कॉम्प्लेक्स है तो ये आपस में क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्रीन कलर का होगा एंड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन इनऑर्गेनिक बेंजीन।
बेटा जी जैसे ऑर्गेनिक बेंजीन में होते हैं वैसे इनऑर्गेनिक बेंजीन में होते हैं, कितने मिलेंगे ये क्वेश्चन काउंटिंग करने का है, आप इजी वे से कर सकते हो। इनऑर्गेनिक बेंजीन का फॉर्मूला होता है B3N3H6, इसमें ऑर्गेनिक बेंजीन की तरह काउंट करोगे तो सिग्मा बॉन्ड अपने कितने मिलेंगे 12 मिलेंगे और पाई बॉन्ड कितने मिलेंगे 3 मिलेंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा 12 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ये भी सेम वैसा ही है, चीजें वही है कि एलाइल साइनाइड मॉलिक्यूल कंटेन, कि कितने एलाइल साइनाइड मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा एंड कितने पाई होंगे, एलाइल में 3 पाई 9 सिग्मा आ जाएंगे अपने पास, तो आंसर आ जाएगा अपना सेकंड आ जाएगा। ये क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है, आपको फॉर्मूला आना चाहिए, उसमें कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट बात करें हम, अमाउंट ऑफ फॉलोइंग विच कंपाउंड विल शो हाईएस्ट लैटिस एनर्जी, कौन सा कंपाउंड है जो हाईएस्ट लैटिस एनर्जी रखता है, इसमें बात करें। लैटिस एनर्जी के लिए बेटा जी क्या जरूरी है, लैटिस एनर्जी अपने को पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Q1 Q2 एंड इनवर्स होती है आर से प्लस आर ए प्लस आर सी। लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Q1 Q2 एंड इनवर्स होती है केटाइन और एनाइन की रेडियस के, तो अपन चार्ज इनमें सब में सेम मिल रहा है अपने को, तो ये लैटिस एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी, रेडियस में डिपेंड करेगी। अपन देखें सबसे स्मॉल, जितनी स्मॉल रेडियस होगी लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, तो सबसे स्मॉल रेडियस अपने को किसे मिल रही है एनएफ में, तो आंसर आ जाएगा अपना सेकंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट फॉर बोथ मेंबर, इससे कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस परमानेंट डाइपोल। परमानेंट डाइपोल मोमेंट का कोई मतलब नहीं है, मतलब कौन से डाइपोल मोमेंट रखते हैं वो देखने, तो इसके लिए अपना याद रखना एक मैं रूल बताता हूं, क्लास में आपको बताया भी होगा कि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर, एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो उसका डायपोल मोमेंट कभी जीरो नहीं मिलेगा। या फिर अपन एक रूल और बताते हैं, वी शेप टी शेप एंड ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, वो सारी की सारी पोलर एंड नॉन प्लेनर होती हैं। तो अपन बात करें वी शेप कहां मिल रही है, ये तो लीनियर मिल रही है, इसमें तो जीरो डायपोल मोमेंट आ जाएगा, तो पहला ऑप्शन तो नहीं आएगा अपने पास। इसमें देखें इसकी वी शेप मिलती है, इसकी भी वी शेप मिलती है, तो आंसर अपना आ जाएगा सेकंड आ जाएगा कि अगर सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर हो, या फिर अपन दूसरा बोलें वी शेप टी शेप एंड ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर्स ऑलवेज पोलर एंड नॉन, सॉरी वी शेप टी शेप एंड नॉन ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर्स ऑलवेज पोलर, जबकि ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर के लिए बात करें तो ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर कैसी होती है, पोलर एंड नॉन प्लेनर। ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर के लिए याद रखना पोलर एंड नॉन प्लेनर होती है, जैसे H2O2, O2F2 और V शेप T शेप, V शेप T शेप कैसी मिलेंगी, पोलर मिलेंगी और ये प्लेनर होंगी, जबकि ओपन बुक लाइक होगी वो कैसी होगी बेटा जी, नॉन प्लेनर होगी, कैसी होगी, नॉन प्लेनर होगी। अब आपको ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर का क्या पता चलेगा, आपको एक दो एग्जांपल तो याद है बेटा जी, यदि दो sp3 हाइब्रिड एटम जिनमें दो सिग्मा दो लोन पे हों आपस में अटैच होंगे तो वो हमेशा कैसी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमेशा ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेंगे, कैसी, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा इसमें सेकंड आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, ओजोन के लिए कौन सी स्ट्रक्चर सबसे सही है बेटा जी, ओजोन में रेजोनेंस आता है, इसके कारण उसके दोनों बॉन्ड लेंथ कैसी आती हैं, सेम आती हैं, तो अपन देखें यहां भी 128 यहां भी 128 परंतु यहां सेम नहीं है, रेजोनेंस के कारण ये दोनों बॉन्ड लेंथ अपने को कितनी मिलती हैं, सेम मिलती हैं, तो सबसे सही स्ट्रक्चर अपनी कौन सी है, थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर किसमें दे रखा है, थर्ड में दे रखा है। नेक्स्ट बात करें, ये थोड़ा सा अपना यहां पर करेक्शन है, ये NaCl है, ये NaCl है, ठीक है, वो कह रहा है कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग कोवलेंट करेक्टर, कोवलेंट करेक्टर का इंक्रीजिंग सीक्वेंस कौन सा है, अपन बात करें बेरियम कोवलेंट करेक्टर फाई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q/R के, Q/R के चार्ज अपॉन रेडियस के होता है,
ठीक है, और phi जितना ज्यादा होगा covalent character उतने ज्यादा होंगे, covalent character ज्यादा होंगे, phi ज्यादा covalent character ज्यादा। तो अपने देखा बेरिलियम, बेरिलियम पर चार्ज सबसे ज्यादा, तो covalent character सबसे ज्यादा किसमें आएंगे, बेरिलियम में। सेकंड किसमें आएंगे, इन दोनों में बात करें साइज के इनवर्स होती है phi, तो बेरिलियम लिथियम की साइज स्मॉल होती है, लिथियम की साइज स्मॉल है तो इसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा और NaCl में कम। तो सबसे ज्यादा किसमें आएंगे, BaCl2 फिर LiCl और फिर NaCl, तो अपना आंसर आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट बात करें अपन, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दो चीजें इन्वॉल्व की गई हैं, बैंड टूल इन्वॉल्व कर दिया गया है और साथ में बॉन्ड ऑर्डर इन्वॉल्व कर दिया गया है। पहले अपन देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर, नेक्स्ट पेज निकाल लेते हैं। SO3 के लिए बात करें, SO2 के लिए बात कर लें, यहां लोन पेयर है। सल्फेट के लिए बात करें, सल्फाइड के लिए बात कर लें, यहां बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करोगे बेटा 3, 2 to 4 to 6, 6 by 3 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहां कैलकुलेट करोगे 1, 2, 3, 4, 4 by 2 कितना, 2 आ जाएगा। यहां कैलकुलेट करोगे 2, 3, 4, 5, 6, 6 by 4, ये ट्रिकी मेथड मेरा बताया होगा लास्ट में आपको। यहां बात करें 1, 2, 3, 4, 4 by 3 1.33 आ जाएगा और यहां पर 1.5 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। अब देखो बेटा जी, पहले बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लिया, यहां बॉन्ड ऑर्डर सेम मिल रहा है, यहां बॉन्ड ऑर्डर सेम मिल रहा है। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा है तो अपने पास कौन आएगा, बेंट रूल आएगा। बेंट क्या कहता है, अगर चीजें सेम सेम मिल रही है तो मैं बताऊंगा कौन ज्यादा सही है, ठीक है। यहां बॉन्ड ऑर्डर सेम मिल रहा है तो बेंट कहता है लोन पेयर की ओर कौन रहता है, लोन पेयर की ओर एस कैरेक्टर रहते हैं और उसके ऑपोजिट क्या रहेंगे, पी कैरेक्टर। तो यहां पर तो एस कैरेक्टर इक्वल डिवाइडेड है, S character equal divided है, तो मैं यहां बोल दूं 33% क्योंकि sp2 hybridization है, sp2 hybridization में S character 33% होते हैं, तो चारों तरफ 33 मिलेंगे। जबकि यहां बात करें इधर S character ज्यादा आएंगे तो इधर क्या आएंगे, P character ज्यादा आएंगे, P character ज्यादा आए तो bond energy क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और bond length क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी अपने को। तो सबसे ज्यादा अपने को क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है, बॉन्ड एनर्जी की बात की है, तो बॉन्ड एनर्जी अपने को सबसे ज्यादा किसकी मिलेगी, SO3 की फिर SO2 की, यहां तो बॉन्ड ऑर्डर कम है इसकी फिर इसकी, तो देखते हैं ऐसा आंसर किसमें है, सबसे ज्यादा SO3 फिर SO2 फिर SO4 माइनस 2 फिर SO3 माइनस 2, तो ऐसा आंसर अपने पास फोर्थ है अपना, तो आंसर आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, अभी अभी अपन ने बात की थी कि NH3 का बॉइलिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो NH3 का बॉइलिंग पॉइंट कितने को SbH3 से कम मिलता है, क्योंकि NH3 में क्या होता है, वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो पहला स्टेटमेंट अपना रॉन्ग हो गया। सेकंड की बात करें HI, HF, HBr, HCl, HF का बॉइलिंग पॉइंट ये किसका, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर सही है, ये मेल्टिंग पॉइंट का है, ये किसका ऑर्डर है, ये भी मेल्टिंग पॉइंट का अपने ऑर्डर मिल रहा है, तो अपना बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखना है। तो बॉइलिंग पॉइंट का सही ऑर्डर कौन सा आएगा, H2O, H2T, H2SC, H2S, H2SC, H2S, तो आंसर आ जाएगा अपना थर्ड आंसर आ जाएगा। तो इनका स्पेशल ध्यान रखें, ठीक है, इनका स्पेशल ध्यान रखें कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा किसका कम होगा, तो आंसर इसमें आएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग CO बॉन्ड स्ट्रेंथ, CO बॉन्ड सामर्थ्य के बाद में बात करनी है अपने को। MOT से काउंट किया CO 14, 14 पर बॉन्ड ऑर्डर अपना कितना था बेटा 3, CO2 के लिए काउंट करोगे बॉन्ड ऑर्डर 2, 2, 4, 4 बटा 2 कितना आया 2 आ गया, जबकि इसके लिए काउंट करोगे फॉर्मेट आयन बोलते हैं इसको, ये कौन सा आयन है, फॉर्मेट, अपने को था एक एसिड है उसमें से अगर हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो जो आयन बनेगा उसके लिए 8 यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मेट आयन, इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर काउंट करोगे 1, 2, 3, 3 by 2 कितना आया 1.5 आया, जबकि कार्बोनेट आयन के लिए लें वन टू थ्री फोर फोर बाई
थ्री कितना आएगा 1.33। बंद सामर्थ्य की बात की तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बंद सामर्थ्य ज्यादा, सबसे ज्यादा किसका मिलेगा? CO, फिर CO2, फिर फॉर्मेट आयन, फिर कार्बोनेट आयन। आंसर आ गया अपना सेकंड अध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें बेटा जी, द क्रिस्टल फेज स्टेबलाइजेशन एनर्जी इस मॉलिक्यूल के लिए CONSC का होल 6 Cl प्लस Cl3। पहले तो अपन इस पर चार्ज काउंट करते हैं, इस पर प्लस 3 चार्ज आएगा, कितना आएगा? प्लस 3। तो कोबाल्ट के लिए क्या लिखते हैं अपन बेटा जी? 3d7 एंड 4s2। अपने कितने रिमूव करने? 3 रिमूव करने, तो 3 ये चले जाएंगे, 2 तो ये गए और 1 ये गया, तो 3d6 आ गया अपने पास, कितना आ गया? 3d6 आ जाएगा। इसमें बात करें, अब 3d6 को अपन क्या करेंगे? 3d6 को अपन अरेंज कर देंगे किसमें? 3d6 को अरेंज कर देंगे किसमें? उसमें क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का जो फॉर्मूला है उसमें। तो अपना आंसर कौन सा आ जाएगा इसमें? थर्ड आंसर आ जाएगा कौन सा? -2.4 ΔO। ठीक है, इसको करोगे अपना, एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में रखोगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीसीज हैव आइडेंटिकल शेप? शेप देखनी है अपने को, शेप देखनी है तो अपन पहले बात करें, NO2 इसकी लीनियर शेप आएगी, हाइब्रिडेशन sp है। NO2- इसकी वी शेप आएगी, हाइब्रिडेशन sp2 है। PCl5 की शेप आएगी, प्लेनर, ट्राइगोनल, बाईपिरामिडल, समतल, त्रिकोणीय, द्विपिरामिडीय। हाइब्रिडेशन से आप काउंट करोगे वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के द्वारा, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के द्वारा। ये पढ़ चुके हो आप। BrF5 में बात करें तो 5 सिग्मा एक लोन पेयर है, तो कैसा आएगा? स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल। ICl2- के लिए बात करें, sp3d हाइब्रिडेशन है, दो सिग्मा तीन लोन पेयर, लीनियर शेप आएगी इसके पास अपने, लीनियर कब मिलती है अपने को? जब 2 सिग्मा 3 लोन पेयर हो। जबकि BCl2 में बात करें तो इसमें 2 सिग्मा ही है, हाइब्रिडेशन कौन सा आ गया? sp हाइब्रिडेशन आ गया, कौन सा आ गया? sp। ये लीनियर शेप मिलेगी अपने को, आंसर आ जाएगा अपना थर्ड। इन दोनों की कैसी है शेप? सेम। नेक्स्ट बात करें, व्हाट इज द स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ नाइट्रोजन इन कैटायनिक पार्ट ऑफ सॉलिड N2। बेटा जी यहाँ कैटायनिक पार्ट आ गया, सॉलिड की बात आ गई, तो अपने को पता है N2O5 का सोलिडिफिकेशन किया जाए, क्या किया जाए? सोलिडिफिकेशन किया जाए, तो ये किसमें टूटता है? NO2+ और NO3- में ब्रेक होता है, NO2+ और NO3- में ब्रेक होता है। अब कैटायनिक पार्ट, धनायन या अपन बोले कैटायनिक पार्ट में अपने को पूछा है, NO2+ में अपने को पूछा गया, NO2+ में हाइब्रिडेशन कौन सा आएगा? sp आएगा। अपने जो NCERT में जो मेन दे रखा है वो बेटा जी PCl5 के लिए दे रखा है, कि सॉलिड PCl5 के कैटायन और एनायन कैसे थे? सॉलिड PCl5 सॉलिड स्टेट में कैसे रहता है? PCl4+ एंड PCl6-। पहले अपन क्या करेंगे, NCERT के बारे में बात करेंगे, तो ये सॉलिड कंडीशन में कैसे रहेंगे PCl4+ एंड PCl6-। आपको पूछा जाए PCl5 के सॉलिड PCl5 के कैटायन में कौन सा हाइब्रिडेशन है, तो यहां पर अपने पास आएगा sp3, और एनायन में कौन सा हाइब्रिडेशन है? यहाँ पर बेटा जी sp3d2, कौन सा आएगा? sp3d2 आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें, विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड जीनोन O2F2 पिरामिडल शेप, नॉन, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें हाइब्रिडेशन कौन सा बेटा? sp3d हाइब्रिडेशन है, 4 सिग्मा एक लोन पेयर, sp3d हाइब्रिडेशन है। इसका क्या मिलेगा? पाई शेप या के शेप या सीसो, इन तीनों में से कोई भी लिखा हुआ आ सकता है, तीनों एक ही बात है। तो इसकी शेप तो की ये दे रखी पिरामिडल, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, तो अपना आंसर आ गया, फर्स्ट आंसर आ जाएगा, कौन सा? फर्स्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करते हैं, द बॉन्ड एंगल ऑफ H3O+ NH3H2O एंड NH2-। बॉन्ड एंगल जब भी काउंट करना है सबसे पहले अपने को हाइब्रिडेशन देखना है, इन तीनों में हाइब्रिडेशन क्या, चारों में हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है? सेम आ रहा है बेटा जी, इसमें भी sp3 एंड इसमें भी sp3।
अगर हाइब्रिडेशन सेम आए तो अपन क्या देखेंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर सेकंड पार्ट लगाएंगे, इन दोनों में नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, इन दोनों में नंबर ऑफ लोन पेयर एक है, जबकि इन दोनों में नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं बेटा जी, दो लोन पेयर है, कितने हैं, दो लोन पेयर है। नंबर ऑफ लोन पेयर ज्यादा, बॉन्ड एंगल कम, तो इन दोनों में बॉन्ड एंगल ज्यादा आएगा किन से, इन दोनों से। उसके बाद में अपन अगला फैक्टर लगाते हैं एन ऑफ सेंट्रल एटम, एन ऑफ सेंट्रल एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, बॉन्ड एंगल के। तो H3O+ और NH3 में से बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, H3O+ का, फिर H2O का आ जाएगा, फिर इनमें फैक्टर लगाएंगे कौन सा दोबारा, EN फैक्टर, तो किसका आ जाएगा अपना, फर्स्ट आंसर आ जाएगा इसमें, फर्स्ट आंसर दे देंगे। तो यहाँ तीन फैक्टर लग चुके हैं आपके पास, फैक्टर किस हिसाब से यूज करने हैं आपको, मैं जिस हिसाब से बता रहा हूँ उस हिसाब से यूज करने हैं। पहले अपने को हाइब्रिडेशन या फिर एस कैरेक्टर यूज करने, दोनों एक ही बात है। सेकेंड बात, नंबर ऑफ लोन पेयर यूज करने, उसके बाद EN ऑफ सेंट्रल एटम यूज करनी है या EN ऑफ लैटरल एटम यूज करनी है। अगर थर्ड है, थर्ड पीरियड के बाद का कोई एलिमेंट लैटरल एटम आ रहा है तो अपने को स्टेरिक इंड्रेंस यूज करना है, पर स्टेरिक इंड्रेंस का इफेक्ट कब नहीं पड़ेगा, इफ सेंट्रल एटम हैव नो लोन पेयर एंड लैटरल एटम आर सेम, देन बॉन्ड एंगल ऑलवेज सेम इन सेम हाइब्रिडेशन। अगर सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, लैटरल एटम सेम है, तो बॉन्ड एंगल सेम रहेगा सेम हाइब्रिडेशन के अंदर। ये गड़बड़ आप सबसे ज्यादा करते हो, जैसे मैंने बोला BF3 BCl3 BBr3 एंड BI3, इनमें सारे लेटर एटम कौन है, क्लोरीन है, यहां सारे लेटर एटम कौन है, क्लोरीन है, यहां सारे कौन है, ब्रोमीन है, यहां सारे कौन है, आयोडीन है। तो इन सब में बॉन्ड एंगल कैसा आएगा, सेम ही आएगा, बॉन्ड एंगल कैसा आएगा, सेम ही आएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, डायपोल मूवमेंट ऑफ OF2 इज स्मॉलर देन, देखो बेटा एक रूल है कि सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं हो, सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं हो तो डायपोल मूवमेंट हमेशा जीरो मिलता है और लैटरल एटम सेम होती है। इफ सेंट्रल एटम हैव नो लोन पेयर, लैटरल एटम आर सेम, देन डायपोल मूवमेंट ऑलवेज जीरो इन मॉलिक्यूल। तो यहां पर म्यू कितना आएगा अपने पास, जीरो, यहां म्यू कितना आएगा, जीरो, यहां भी म्यू कितना आएगा, जीरो, जबकि यहां कुछ ना कुछ म्यू आएगा। अब H2O और OF2 में बात करें, H2O में और ये OF2 है, इसमें जो डायरेक्शन होगी वेक्टर की सदिश की डायरेक्शन एक तरफ ही होगी, जबकि इसमें जो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, इसमें एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएगी, तो डायपोल मूवमेंट किसका आएगा, H2O का ज्यादा आएगा, तो OF2 का द्विध्रुवागुण किससे कम है, H2O से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल हैव पोलर बॉन्ड, बॉन्ड की पोलरिटी, इंपॉर्टेंट बात है, बॉन्ड की पोलरिटी डेल्टा EN से दी जाती है, जबकि मॉलिक्यूल की पोलरिटी है वो किससे दी जाती है, डायपोल मूवमेंट से दी जाती है। जितने भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है, जितने भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है उनमें सभी में बॉन्ड की पोलरिटी वो किससे दी जाएगी, बॉन्ड की पोलरिटी डायपोल डायटोमिक में डेल्टा EN से दी जाएगी, तो बॉन्ड पोलर होना चाहिए, इसलिए तो बॉन्ड पोलर है ही, इसमें बॉन्ड तो पोलर है पर कंपाउंड, बॉन्ड तो पोलर हो गया, कंपाउंड भी कैसा हो गया, पोलर हो गया। इसमें बात करें, इसके लिए म्यू कितना आएगा, जीरो, इसके लिए म्यू नॉट बी जीरो, म्यू जीरो आ गया, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। तो यहां बात करें, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, म्यू कितना आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, कितना आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहां बात करें H2O2, बॉन्ड पोलर है और नॉन पोलर पे है, पर म्यू जीरो नहीं है, इनमें म्यू दो जनों का जीरो मिल रहा है परंतु इसमें पोलर बॉन्ड नहीं है, तो अपना आंसर कौन सा आ जाएगा, थर्ड आंसर आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, थर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैचिंग, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं यहां से कि कौन सा सही मिलान नहीं है। युग्मित इलेक्ट्रॉन Fe F6-3, बेटा जी Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यहाँ पर, +3। Fe के लिए क्या लिखते हैं, D6-4H2 लिखते हैं, वीक फील्ड लिगेंड है, दो तो ये जाएंगे, एक ये जाएगा, तो क्या बच गया, D5 बच गया,
500 के 500 अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो ये बिल्कुल सही है। क्रोमियम के लिए बात करते हैं, क्रोमियम प्लस 3 में, क्रोमियम प्लस 3 में इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 3 आते हैं। D1, D2 एंड D3 में पेयरिंग की बातें अपन करते ही नहीं, तो अपने इसके पास कितने आ जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कोबाल्ट, कोबाल्ट भी यहां पर प्लस 3 में है, कोबाल्ट किसमें है, प्लस 3 में है, कोबाल्ट किसमें प्लस 3 में, अमोनिया है। कोबाल्ट के लिए क्या लिखते हैं प्लस 3 में, D7 4S2 होता है, प्लस 3 है तो 2 ये गए, -1 क्या बन गया, D6 बन गया। अमोनिया है, क्या है, अमोनिया है, क्या कर लेगा इसका युग्मन कर देगा, युग्मन कर देगा तो 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे। Mn के लिए बात करें, Mn यहाँ प्लस 2 में किसमें है, प्लस 2 में, H2O वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, यहाँ 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, आंसर आ जाएगा 4th। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक मूवमेंट की लोवेस्ट वैल्यू देखनी है बेटा, 3 में, इन 3 में क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो इन 3 के लिए चेक कर लेते हैं बेटा जी। यहां पर क्रोमियम प्लस 3 में तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 3 आएंगे। Fe यहां पर प्लस 3 में तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 1 आएगा, पेयरिंग होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जबकि कोबाल्ट भी यहां पर प्लस 3 में, प्लस 3 में इसके पास क्या आएगा, D6, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 0, तो न्यूनतम किसकी आएगी, 4th नंबर की अनपेड इलेक्ट्रॉन न्यूनतम होंगे। नेक्स्ट बात करें, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कॉम्प्लेक्स, निम्न में से संकुल PtCl2 H2NH3 के लिए सही है, ये क्या कंडीशन बन गई बेटा, इसमें DsP2 हाइब्रिडेशन है, तो ये नीचे 4D 5D सीरीज के लिए देखें तो वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, सभी में स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करेंगे, DsP2 हाइब्रिडेशन है। कंडीशन कौन सी बन गई बेटा, MA2BC बन गई। इस कंडीशन में देखो, अगर ज्यामिति संरचना आपने को देखनी हो, क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखनी हो, तो कंडीशन बनाओ MAA BC, ये कौन सी बन गई, सिस कंडीशन बन गई। ट्रांस कंडीशन बनाए AA MBC, ये कैसी बन गई, ट्रांस कंडीशन बन गई, तो ज्यामिति संरचना प्रदर्शित करेगा, तो अपना फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट CrCl2OH का होल ट्वाइस NH3, तो ये कंडीशन कौन सी बन रही है बेटा, MA2B2C2 बन रही है, MA2B2C2 बन रही है। आयोनाइजेशन के लिए बाहर आयन होना चाहिए, बाहर आयन इसमें है नहीं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट कर सकता है बिल्कुल, क्योंकि MA2B2 क्या करता है, C2 क्या करता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करता है। हाइड्रेट वाटर मॉलिक्यूल होना चाहिए, वो नहीं है। लिंकेज, लिंकेज भी नहीं होगी क्योंकि इसमें क्या होना चाहिए, एम्बिडेंट लिगेंड होना चाहिए, तो अपना आंसर आ जाएगा 2nd। नेक्स्ट बात करें, फेशियल एंड मेरिडोनल आइसोमेरिज्म, बेटा फेशियल एंड मेरिडोनल जो होती है वो फलक और रेखांशित जो स्नायुता होती है वो कौन रिप्रेजेंट करता है, उसके लिए MA3B3, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद ही रखो आप कि MA3B3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फेशियल या मेरिडोनल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करता है। इसमें क्या होता है, फेस में एक दूसरे के सामने आते हैं, कैसे समझना, ये स्क्वायर बन रहा है ऊपर, यहां पर सेम रहेंगे, तो ये ऐसे बना और नीचे की बार इधर ग्रुप, यहां ग्रुप, यहां ग्रुप, तो ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के सामने आएंगे, इसे बोलते हैं फेशियल, और इनको चेंज कर दिया जाए तो उनको बोलते हैं मेरिडोनल, तो अपना आंसर आ जाएगा कौन सा, 4th आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, मोस्ट स्टेबल आयनिस, बेटा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में स्टेबिलिटी के लिए 4-5 चीजें देखी जाती हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जिसमें जितना ज्यादा होगा, वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अपन देखें, सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा, इसमें साइनाइड है। चार्ज भी देखते हैं, चार्ज तो सब में सेम मिल रहा है अपने को, यहाँ भी प्लस थ्री, चिलेशन देखते हैं, चिलेशन है नहीं, तो अपन क्या देखेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देखेंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अपने को किसमें मिल रहा है, 2nd में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, 2nd वाला, ठीक है। नेक्स्ट बात करें,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए तो बेटे एक के लिए स्पेशल ध्यान रखें, किसके लिए, ट्रांस कौन सी कंडीशन, एंड ए इसके लिए बहुत बार पूछता है क्योंकि अपने एनसीईआरटी में एनसीईआरटी की चीजें अपने नीट के लिए तो एनसीईआरटी रामबाण है, एम ए ए ए टू, इसमें दो कंडीशन बनती है, एक तो सिस बनती है एक ट्रांस बनती है, जो सिस होती है वो ऑप्टिकली एक्टिव होती है जबकि ट्रांस होती है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है, किस हिसाब से अपन बात करें, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, ये ट्रांस कंडीशन है इसकी, किसकी, इस कंडीशन की बन रही है, ये कंडीशन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होती, ये ध्यान रखना, अगर आमने सामने ग्रुप सेम आ जाते हैं तो वो कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा क्योंकि उसमें स्लाइड कट जाती है, उसमें पीओएस आ जाती है, इसलिए वो कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, तो अपना आंसर आ जाएगा बेटा जी फोर्थ, अपना आंसर आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट बात करें, द कॉम्प्लेक्स आयन FeCN का होल 6 माइनस 4 कंटेंट, संकुल FeCN का होल 6 माइनस 4 में आयरन का प्रभावित परमाणु क्रमांक 36 है, कैलकुलेट करते हैं, ऑक्सीडेशन Fe कितने है, प्लस 2 में, तो 26 में 2 का 24, ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस करते हैं, इसमें करते हैं परमाणु क्रमांक माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस लिगेंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन, तो परमाणु क्रमांक कितना हो गया 26 माइनस 2 प्लस 12, एक लिगेंड कितने देगा, दो इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, और 6 कितने देंगे 12 देंगे, तो टोटल कितना हो गया इसमें 36 हो गया, तो पहला बिल्कुल सही है। सेकंड बात से संकुल sp3d2 संकृत है, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, d2 sp3 हाइब्रिडेशन है, इनर वाले काम आते हैं इसमें, तो पहला स्टेटमेंट ही अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following will show optical isomerism? कौन सा optical isomerism represent करता है? तो अपन बात करें बेटा जी, एक तो optical isomerism ये represent नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कौन सा hybridization है? sp3 hybridization है, कौन सा hybridization है? sp3 hybridization है, ये optical isomerism represent नहीं करेगा। Next बात करें, अभी भी अपन बात करेंगे कि MAA जो होता है MAA, ये कौन सी कंडीशन बन रही है, अभी जस्ट इससे लास्ट वाले लास्ट क्वेश्चन में एक बात करेंगे, MAA2 कंडीशन बन रही है, ये ट्रांस कंडीशन में ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, तो दो अपने पास ऑप्टिकली, ये सिस का वाला तो ऑप्टिकली एक्टिव रहता है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, तो अपने पास ऑप्टिकली एक्टिव पूछा है, प्रकाश समायोजन दर्शाते हैं, तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन है अपना, थर्ड वाले में आ जाएंगे, तो इसके लिए तो मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ये दोनों चीजों का स्पेशल ध्यान रखना, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसके लिए आप क्या करते हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गया, निकल आ गया, D8 आ गया, आप इसमें DSP2 चिपका देते हो, परंतु बेटा जी 4s वाले इलेक्ट्रॉन अंदर एंट्री कर जाते हैं तो D10 हो जाता है अपने पास, इसलिए अंदर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं रहता, तो क्या आएगा इसमें हाइब्रिडेशन sp3 आएगा, ये डायमैग्नेटिक होगा, तो इनके लिए भी, इसके लिए और इन दोनों के लिए स्पेशल आपको ध्यान रखना है, तो इसमें अपना आंसर आ जाएगा कौन सा, थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें, 3 अरेंजमेंट आर शो फॉर द कॉम्प्लेक्स COBr2 NS3 2 EN, इसके लिए अपने को बताना है क्या कि रॉन्ग स्टेटमेंट है, कह रहे सेकंड एंड थर्ड आर ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म, फर्स्ट एंड सेकंड आर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, फर्स्ट एंड सेकंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकते हैं, क्योंकि यहां देखो ये किसमें है, सिस कंडीशन में, जबकि यहां किसमें आ गई, ट्रांस कंडीशन में आ गई, सेकंड एंड थर्ड आर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, बेटा जी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें तो स्लाइड आ जाएगी, इसमें स्लाइड आ जाएगी तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, तो अपना आंसर तो सेकंड ही आ जाएगा, क्या जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट बात करें, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी ये आप कर सकते हो, अपन इसमें देखेंगे इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी, तो अपना आंसर आ जाएगा फोर्थ, जैसे सॉल्व कर लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, द एनायन
एसिटाइल एसिटोनेट फॉर्म चिलेट विद कोबाल्ट प्लस थ्री द रिंग ऑफ द चिलेट इज रेनाइन एसिटिल एसिटोनेट CO प्लस थ्री आयन के साथ किलेट का निर्माण करता है, किलेट वाले में होते हैं। इसकी डायग्राम बनाओगे तो अपने को कितनी वाले मिलेंगी, छह वाले मिलेंगी, कितनी मिलेंगी, सिक्स वाले मिलेंगी। इसका कंपाउंड का फॉर्मूला बनाना, अब लिखोगे अपने को आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें विच इज इनकरेक्ट, CO NH का होल थ्राइस फोर Cl2 प्लस इज हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। बेटा जी जिनमें लिगेंड डिफरेंट होते हैं उनको हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और जिनमें ये लिगेंड सेम होंगे उनको होमोलेप्टिक कहते हैं। तो पहला बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या है, Fe की समन्वय संख्या 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, बिल्कुल ये बाइडेंटेड लिगेंड है। क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है, तो इसमें एक में दो देगा तो तीन में छह देगा। मोर लवण द्विक लवण तथा Fe प्लस टू आयनों का प्रेक्षण नहीं देता, ये स्ट्रॉन्ग ये स्टेटमेंट गलत होगा। डबल सॉल्ट जो होते हैं उसमें सभी आयन अपना प्रेक्षण देते हैं, ये कह रहा है Fe प्लस टू आयन इसका प्रेक्षण नहीं देता, गलत हो गया, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, आंसर आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है द नंबर ऑफ मोल ऑफ आयन प्रोवाइड बाय पर मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स COCl3 5NH3 इन एक्वा सॉल्यूशन। बेटा जी इसका फॉर्मूला बनाओगे तो क्या बनेगा, CONH3 का होल 5 और एक Cl अंदर आएगा, एक Cl क्या आएगा अंदर आएगा, बाहर कितने Cl रह जाएंगे, दो Cl रह जाएंगे। तो कह रहे कितने मोल आयन देगा ये, कितने मोल आयन देगा ये, कितने मोल आयन देगा, तो दो तो ये रहे और एक ये पूरा कॉम्प्लेक्स, तो कितने मोल हो गए, ये तीन मोल आयन देगा, कितने देगा, तीन मोल आयन देगा अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आज करेक्ट अबाउट K3FeCN का होल 6, CN माइनस आयन आर लेविस बेस CN माइनस आयन आर लेविस बेस Fe प्लस थ्री आयन इज लेविस एसिड, इट इज ए कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स, इट प्रोड्यूस 10 आयन इन सॉल्यूशन। बेटा CN माइनस लिगेंड जो होते हैं नॉर्मली लेविस चार की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि ये क्या देते हैं, लोन पेयर देते हैं, क्या देते हैं, लोन पेयर देते हैं, इसलिए लेविस चार की तरह बिहेव करते हैं। Fe प्लस थ्री आयन लुइस अम्ल की तरह, क्योंकि ये क्या करते हैं, लोन पेयर लेते हैं, तो किसकी तरह बिहेव करेंगे, लुइस अम्ल की तरह बिहेव करेंगे। यह धनायनिक संकुल नहीं, इस पर पॉजिटिव चार्ज इस पर है, नेगेटिव इस पर है, तो ये धनायनिक संकुल नहीं है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट सही सही। यह जलीय विलयन में 10 आयन प्रदान करता है, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है बेटा, तीन तो ये होंगे और एक ये होगा, टोटल चार आयन होंगे, टोटल कितने होंगे, चार आयन। तो अपने सही स्टेटमेंट कौन से हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, सही के लिए बात की तो फर्स्ट एंड सेकंड, फोर्थ अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें, व्हाट इज द आईपीसी नेम ऑफ सोडियम नाइट्रो प्रोसाइड, इसका आईपीसी नेम लिखोगे तो अपने पास सोडियम पेंटा साइनो नाइट्रोसिलियम फेरेट सेकंड आ जाएगा, यहां सेकंड में होगा ये, आयरन सेकंड में होगा, ठीक है। तो इसका अपने कॉपी में देखेंगे, अपने एनसीईआरटी में दे रखा है सीधा सीधा इसका नाम सोडियम नाइट्रो प्रोसाइड का, तो ये याद रखना है अपने को, इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है कि क्या होता है, सोडियम बाहर होता है, पेंटा साइनो नाइट्रोसिलियम फेरेट आयन होता है। नेक्स्ट बात करें, करें टाइटेनियम प्लस थ्री कोबाल्ट प्लस थ्री Fe प्लस टू तथा कॉपर प्लस टू में से कौन से आयन उच्च चक्र तथा निम्न चक्र संपूर्ण का निर्माण नहीं करते। बेटा जी देखो कॉपर प्लस टू है, कॉपर प्लस टू है, उच्च चक्रण निम्न चक्रण का इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन एक ही रहेगा, इसके लिए अपन उच्च चक्रण और निम्न चक्रण की बातें नहीं करेंगे। ऐसे टाइटेनियम प्लस थ्री है, टाइटेनियम प्लस थ्री के लिए अपन उच्च चक्रण और निम्न चक्रण की बातें नहीं करेंगे, जबकि इनके लिए कर सकते हैं। इनका किस पर डिपेंड करेगा, लिगेंड पर डिपेंड करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड। अब ध्यान रखना डी वन डी टू डी थ्री पर स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड लिगेंड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो अपना आंसर आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब इज हाईएस्ट इन, अब वेवलेंथ के लिए बात कर रहा है बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जितना ज्यादा होगा उनमें ये सीएफएससी उतनी ज्यादा होगी, ये एनर्जी ज्यादा होगी तो लैम्डा कम होगी, और वीक फील्ड में ये गैप कम होगा, एनर्जी कम होगी तो लैम्डा ज्यादा होगा।
तो वीक फील्ड लिगेंड अपने को इसमें सबसे कम कौन सा नजर आ रहा है, एफ ई, तो अपना आंसर आ जाएगा फ्लोरीन वाला, फ्लोराइड वाला। तो अपने को तो ये ध्यान रखना है, अगर वो वेवलेंथ की बात कर रहा है, हाईएस्ट की बात कर रहा है, तो अपने को वीक फील्ड लिगेंड देखना है। अगर लोएस्ट वेवलेंथ की बात करना था तो अपने को क्या देखना था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देखना था। अगर इसके ऑपोजिट वो एनर्जी की बातें करता, किसकी एनर्जी की बातें करता, तो एनर्जी उस लिगेंड की ज्यादा होगी जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, कम किसकी होगी जो वीक फील्ड लिगेंड होगा। तो अपना आंसर आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रिएजेंट यूज्ड फॉर आइडेंटिफाई निकल आयन, बेटा डीएमजी निकल से रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है जो कलरफुल होता है, इसलिए इसका यूज करते हैं, किसका, डीएमजी का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज रिलेटेड, ये एक फॉर्मूला है जिसको आपको ध्यान रखना है कि टेट्राहेड्रल जो इक्वल होती है 4/9 डेल्टा ओ की इक्वल होती है, तो सेकंड आंसर आ जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वीसी डिस्टेंस इन वीसीओ का होल 6 एंड वीसीओ 6 माइनस आर रिस्पेक्टली, बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बात करें मेटल पर नेगेटिव चार्ज ऑन मेटल, मेटल पर नेगेटिव चार्ज अगर इंक्रीज होता है तो मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होगी, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, जबकि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। ये आप तो हर चीज पर लगा सकते हो कि नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा। अब पूछा इसने वी और सी, मतलब इस बॉन्ड के लिए बात कर रहा है, तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो अपने को पता लगा इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा आएगी, इसकी बॉन्ड लेंथ कम आएगी। तो अपने को ऐसा ऑप्शन देखना है जो पहला ज्यादा हो और दूसरा कम हो। ये कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चन नहीं है बेटा जी, ये सिंपल सिंपल ऑप्शन देख के आंसर देने वाले हैं। अपने को ये मेथड पता होना चाहिए कि नेगेटिव इसके ऑपोजिट आ जाए, पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा, तो अपने क्वेश्चन इसमें है एक और, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो ये बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका जस्ट ऑपोजिट लिख देंगे, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूं सिनर्जिक इफेक्ट के लिए ये आपका क्वेश्चन सफिशियंट है, ये ट्रिक, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा अपना, पहला ज्यादा होना चाहिए, दूसरा कम, 200 और 103 आ जाएगा, 193 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथन का चयन कीजिए, हार्डनेस ऑफ वाटर डिटेक्ट बाय Na2EDT, बिल्कुल सही बात है, Ag accepted through MCN2-1 type complex formation by cyanide method। ये अपन coordination chemistry के use भी बात कर सकते हैं, ये अपन ये metallurgy में पढ़ेंगे, cyanide process पढ़ेंगे, उसमें आएगा। ये statement बिल्कुल सही है, ये statement बिल्कुल सही। Nickel metal can be purified through nickel H2O whole 6? No, ये statement wrong हो गया, तो अपना statement आ जाएगा, third statement आ जाएगा। Next answer देखते हैं अपन, COCN का whole 6 minus 3 complex pairing energy is 5 pi and CFSC energy equal to E, then बेटा जी strong field ligand है, अपने बताया strong field, CFSC पढ़ चुके हो आप, crystal field theory के बारे में बात कर चुके हो, E ज्यादा होगी किससे, pi से, E ज्यादा strong field ligand होगा तो E ज्यादा होगी किससे, pairing energy से, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा अपना third, easy question। Next question की बात करें, 94 number question, कह रहा है निम्न में से किस संकुल में आंतरिक कक्षक संकरण उपस्थित नहीं है, आंतरिक मतलब अंदर वाले कक्षक यूज नहीं आ रहे हैं, वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग पॉसिबल नहीं होगी, यहां स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, यहां वीक फील्ड है तो यहां पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। तो आंसर अपना आ गया फोर्थ, बहुत इजी क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ लिगेंड के बारे में देखना है अपने को, स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है उसके बेस पर अपन दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, कह रहा है इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड द हाइड्रेट आइसोलेशन डिफरेंट,
इन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेशन ओनली. नो हाइड्रेशन वाटर मॉलिक्यूल जल योजन के अणुओं की संख्या अलग अलग होगी उसमें दिखाएंगे. इन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ओनली प्रेजेंट एज लिगेंड, लिगेंड रूप में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या. बिल्कुल सही, ये दोनों ही क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए. तो आंसर आ जाएगा अपना फर्स्ट एंड सेकंड. ये दोनों अलग अलग होंगे तभी ही वो हाइड्रेटेड हाइड्रेट आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करेगा, वरना नहीं यूज रिप्रेजेंट करेगा. नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ई ए एन ऑफ सेंट्रल एटम मेटल आयन एटम इज नॉट सिंक. ये जरूर ध्यान रखा करो बेटा, नॉट सिंक नहीं है. ये जब तक आप नहीं रखोगे ध्यान में तब तक गड़बड़ हो जाएगी. तो अपन इनमें बात करें किसमें सही सेम नहीं है. कैलकुलेट करोगे, अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि परमाणु क्रमांक माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस लिगेंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन. तो कैलकुलेट करोगे, हम एक एक का कैलकुलेट करोगे. अपन फोर्थ का कैलकुलेट करते हैं. निकल कितना 28, ऑक्सीडेशन 0, एक कार्बन मोनोऑक्साइड कितने देता है 2, 4 कितने देंगे 8, प्लस 8 कितना हो गया बेटा 36 हो गया. जबकि इसके लिए बात करें निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2, तो 28 माइनस 2 प्लस कितने 8, इसका कितना आएगा 34 आएगा. कितना आएगा 34. तो इन दोनों का सेम नहीं है ये, तो आंसर आ जाएगा अपना फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. H2PtCl6 बेटा जी, जब भी H2 ऐसे बाहर लगा हुआ है इसको अपने को क्या करना है, एसिड लिखना है. स्पेशल ध्यान रखना है, जब भी H2 बाहर लिखा हुआ आएगा इसको स्पेशल अपने को क्या रखना है, एसिड रखना है. एसिड लिखना है तो एसिड इसमें एक में ही दे रखा है, एक वाला लिखना है तो नाम हो जाएगा हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरोप्लेटिनिक 4 एसिड. हेक्सा क्लोरो एसिड है, क्लोरोप्लेटिनिक एक आ गया एक एसिड के लिए, 4 एसिड इसका IUPAC नेम हो जाएगा. आंसर आ जाएगा अपना थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन Na2FeCN का होल 5 NO, इसमें F की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, इस पर प्लस 1 है, टोटल पर कितनी आएगी, यहां पर माइनस 2 कितनी आएगी, माइनस 2, इस पर प्लस 1, तो यहां पर अपन कैलकुलेट करें प्लस 2 आ जाएगी. लिगेंड में NO किस फॉर्म में हो गया, NO प्लस फॉर्म के में हो गया, तो इसमें दोनों के दोनों अपने पास सही है. नेक्स्ट बात करें अपन, एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है ये अपने को, ये बाइडेंटेड लिगेंड है तो 1 लें, ये भी बाइडेंटेड है 1, क्योंकि अगर ज्यादा ले लेंगे तो फिर ये 0 लेना पड़ेगा, तो ये तो दोनों 1-1 होंगे. तो इनमें बात करें ये 1 ये 1 4 हो गई, तो O2 कितने लेने पड़ेंगे अपने को, 2 लेने पड़ेंगे. तो ऐसा ऑप्शन में देखें पहला 1 दूसरा 1, तो आंसर आ गया सेकंड. देखो ये बाइडेंटेड लिगेंड है तो एक ही ले सकते हैं, तो 2 ले लिए तो समन्वय संख्या टोटल 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 4 तो इसकी हो गई, 2 इसकी, 6 तो इसकी हो गई, तो O2 तो 0 आ जाएंगे, 0 ऑप्शन में अपने पास है ही नहीं. तो एक तो ये लिया एक ये लिया, तो ये बाकी एक 2 कंफर्म इसने कर दिए 2 इसने कर दिए, तो अब ये 2 और लेने पड़ेंगे तभी तो टोटल 6 होगी. ठीक है, तो एक एक और 2 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा अपना सेकंड आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द वैल्यू ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट फॉलो द करेक्ट ऑर्डर. मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू देखनी है अपने को. अपन देखिए इसमें वीक फील्ड लिगेंड है Mn प्लस 2 में है, तो D5 आ जाएगा. D5 आते ही इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5 हो गए. COCl4 माइनस 2 देखें, कोबाल्ट यहाँ प्लस 2 में है, कोबाल्ट प्लस 2 में है, प्लस 2 में D7 होता है कोबाल्ट, D7 अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने देंगे 3. Fe के लिए बात करें, Fe यहाँ प्लस 2 में है, प्लस 2 में है. साइनाइड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कैसा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये पेयरिंग कर देगा, पेयरिंग कर देगा, तो यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन D6 में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे अपने पास, 0 आ जाएंगे. तो अपना यही आंसर बन जाएगा, आंसर फोर्थ आ जाएगा, इसका आंसर क्या देगा फोर्थ. नेक्स्ट बात करें, ये क्वेश्चन अभी अपन ने किया था सिनर्जिक इफेक्ट के लिए, मैंने बताया था आपको कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, CO बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए बात कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने पर CO बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है, जबकि नेगेटिव चार्ज बढ़ने पर मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है. तो नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा किस पर है, इस पर है, ये न्यूट्रल है पॉजिटिव है, तो अपने पास क्या आ जाएगा,
101, इसमें अपने को वही फॉर्मूला लगाना है क्या? अपना कौन सा? कि नेगेटिव चार्ज आएगा मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जबकि पॉजिटिव चार्ज आने पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। यहाँ पर इसने कौन सा पूछा है? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछी है, तो अपने तरीके को अपनाओ और आंसर अपना आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछे, यहाँ बात करें यहाँ Fe किसमें है? प्लस थ्री में है। Fe प्लस थ्री में बात करें तो अनपेड इलेक्ट्रॉन अपने पास कितने मिलेंगे? 5 मिलेंगे। बिल्कुल सही है बात। नेक्स्ट बात करें Ian, क्रोमियम किसमें बेटा जी? क्रोमियम यहाँ पर प्लस टू में है। क्रोमियम प्लस टू में D4 हो गया, पेयरिंग हो जाएगी तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? 2 ही बचेंगे अपने पास। कोबाल्ट NH3 का होल 6+3, तो यहाँ कोबाल्ट प्लस थ्री में है, कोबाल्ट प्लस थ्री में है तो क्या बच गया? D6। अमोनिया है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यहाँ ये रॉन्ग है, तो आंसर आ जाएगा अपना थर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा जी, ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, किसका यूज किसमें, किस उत्प्रेरक या कैटलिस्ट का यूज किसमें आता है? V2O5 का यूज हेबर बॉश प्रोसेस में नहीं आता, तो इसका स्पेशल याद रखें, V2O5 का यूज यहाँ पर नहीं करेंगे। अपन V2O5 कहाँ पढ़ते हैं? कॉन्टेक्ट प्रोसेस में बातें करते हैं, तो वहां बात करें, यहाँ नहीं करें। ठीक है, आंसर रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। 3, विच इज मिसमैच्ड रिगार्डिंग द नेगेटिविटी एंड चार्ज ऑफ लिगेंड। ये सिंपल चीज है, आपको ध्यान रखने, लिगेंड आपको याद करने ही पड़ेंगे, इसका कोई इलाज नहीं है। बाइडेंटेड एंड -2 दे रखा है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा अपने को, -2 चार्ज नहीं आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, विच इज नॉट ट्रू अबाउट FeCO का होल 5। FeCO का होल 5 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? Fe की ऑक्सीजन अवस्था 0 है, बिल्कुल सही बात है। इट हैज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, बिल्कुल सही बात है। इट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सही बात है। इट इज पैरामैग्नेटिक, बेटर जी नहीं। D6 और 2 और 4s वाले अंदर चल जाएंगे, D8 हो जाएंगे, इनकी पेयरिंग हो जाती, ये प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, मतलब डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ये अनुचुंबकीय नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, कह रहे हैं MH2O का होल 6 कॉम्प्लेक्स टिपिकली अब्सॉर्ब एट अराउंड 600 नैनोमीटर, इट इज अलाउड टू रिएक्ट विद अमोनिया टू फ्यू फॉर्म ए न्यू कॉम्प्लेक्स। कह रहा है कि इसकी की जगह पर कौन सा कॉम्प्लेक्स बन गया? ये बन गया, दैट शुड बी एब्जॉर्ब, कि किस नैनोमीटर लैम्डा का एब्जॉर्ब करेगा बेटा जी? अमोनिया है, इनके बीच में ज्यादा डिफरेंस, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये 600 करता है तो ये 600 से कम करेगा। अब 600 से कम अपने पास दो ऑप्शन है, एक तो ये है, एक ये है, यहां पर बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं होगा। ये लगभग समान सा आएगा, 580 नैनोमीटर के आसपास एब्जॉर्ब करेगा। मैं ये फिर बोल रहा हूं आपको, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उनको अपने किसके बेस पर? उनको अपने को ऑप्शन के बेस पर करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, विच इज स्क्वायर प्लेनर, कौन सा स्क्वायर प्लेनर है? अपन हाइब्रिड स्क्वायर प्लेनर के हाइब्रिडेशन कौन सा होना चाहिए? DSP2 हाइब्रिडेशन होना चाहिए। ये तो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, तो सीधा देखते पता लग गया कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है अपने पास। यहाँ पर निकल अभी अपन बता के गए थे, इसमें हाइब्रिडेशन कौन सा बेटा जी? SP3 हाइब्रिडेशन है, तो अपने पास ऑप्शन एक ही बच जाता है, कौन सा? फोर्थ ऑप्शन, अपना आंसर आ जाएगा फोर्थ। ये स्पेशल ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूँ, इसके लिए आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हो। आप क्या करते हो, सीधा निकल देखा, कोबाल्ट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देखा, अंदर वाला डी काम ले लिया, DSP2 बना देते हो, जबकि वो स्टेटमेंट रॉन्ग है, यहाँ रॉन्ग है, यहाँ निकल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, दो लिस्ट है, इनको मिलान करना है। ये इनकी क्या कनेक्टिविटी दे रखी है इनमें, कितनी कंडक्टिविटी है? तो अपन देखें नंबर ऑफ आयन कैलकुलेट कर ले, तो सारे आंसर आ जाएंगे। इसमें कितने? 4 और एक 5, 5 आएंगे। पांच आयन है इसमें, इसमें देखें 3 आयन है, इसमें देखें 2 आयन है, इसमें देखें 4 आयन है, तो
पांच आयन है तो इसका सबसे ज्यादा तो इसमें मिल रहा है, फिर अपने को चार आयन मिल रहे हैं ये, फिर अपने को तीन आयन मिल रहे हैं किसके, इसके, और इसके मिल रहे हैं दो आयन। ऐसा ऑप्शन देख लीजिए, ए का अपने को मिलेगा सी, ए का सी दो में है, फिर बी का मिलेगा बी, बी का बी एक में है, फिर सी का ए, डी का डी, अपना आंसर आ जाएगा फोर्थ। तो 108 में अपना आंसर आ जाएगा फोर्थ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, अधोलिखित में कौन सा कथन असत्य, ये जरूर ध्यान रखा करो आप बेटा, असत्य। K3FeCN का होल सिक्स में लिगेंड फेरिक आयन की केवल द्वितीयक संयोजकता को ही संतुष्ट करता है, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, नेगेटिव प्राथमिक और सेकेंडरी दोनों को कर सकता है, तो पहला ही स्टेटमेंट अपना रॉन्ग हो गया। तो नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज फॉलोइंग ईएन रूल, ईएन रूल नियम की पालना करता है, ईएन मतलब जिसका इनर्ट अपने पीरियड के इनर्ट गैस के इक्वल हो, उसके लिए बात करें अपन, ठीक है। तो यहां अपन चेक कर लेते हैं कि कौन कर रहा है, एन कर रहा, अब सभी का चेक करना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला मैं बता चुका हूं तो उसमें आप देख सकते हो, तो आंसर आ जाएगा अपना थर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें, कर अमोनिया फॉर्म द कॉम्प्लेक्स CuNH3 का होल 4+2 विद कॉपर आयन एंड एल्कली सॉल्यूशन, करेगी कॉम्प्लेक्स एल्कली सॉल्यूशन बनता है क्षारीय, बट नॉट इन एसिडिक सॉल्यूशन, तो एसिडिक विलयन में इसका निर्माण नहीं होता, द रीजन फॉर दिस इज, इसका रीजन क्या है, क्षारीय विलयन में कॉपर हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित होता है जो क्षार के अधिके में घुलनशील नहीं, कोई इसका वो नहीं है, कॉपर हाइड्रोक्साइड उभयतर में कोई मतलब नहीं इसका, अम्लीय विलयन में जलयोजन कॉपर प्लस टू आयन को सुरक्षित करता है, कोई मतलब नहीं, अम्लीय विलयन में प्रोटोन अमोनिया अणु, देखो बेटा जी NH3 अगर किससे अटैच हो गया, H+ से अटैच हो जाएगा, तो ये लिगेंड की तरह बिहेव नहीं करेगा, ये अमोनियम आयन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अमोनियम आयन बन जाएगा, ये लिगेंड की तरह बिहेव नहीं करेगा, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, अपना आंसर आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन आयरन इन Na4FeCN का होल 5 NOS, इसमें बात करें, कह रहे हैं आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, इस पर -4 आएगा, कितना आएगा -4 अपने पास आएगा, तो इस पर टोटल पर कितना है, माइनस के 5 है, इस पर -1 है, तो बाहर जा रहे हैं तो इस पर कितना आ गया, +2 आ गया, तो आंसर आ जाएगा अपना सेकंड। इजी क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट करनी है या अपन उस तरीके से काउंट कर सकते हैं अपने वाले तरीके से, इसको एक्स बोल लिया, इसको -5 और यहाँ पर -1 और टोटल के ऊपर कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, काटा पीटी करोगे x कितना आ जाएगा अपने पास, प्लस का 2 आ जाएगा। चलो इससे कर सकते हो या डायरेक्ट मैंने जो तरीका आपको बताया उससे आप कर सकते हो, दोनों से कर सकते हो, ये लॉन्ग पड़ता है, इससे करोगे कि इसके थ्रू अपन यहाँ पर इस टोटल पर चार्ज काउंट कर लेंगे, लिगेंड पर चार्ज रख देंगे, फिर मेटल पर चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट इन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ लिगेंड, लिगेंड की स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बतानी है अपने, किसकी, लिगेंड की, कौन सी, ये NCERT में साफ साफ लाइन दे रखी है उससे अपन काउंट कर सकते हैं, तो सबसे स्ट्रॉन्ग इनमें CN आएगा, उसको याद कर लेना, याद करने का है कोई मतलब नहीं है इसका। नेक्स्ट बात करें, स्पीसीज विद स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अंडर रूट 24 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितनी है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर मैं यहां 1 रखता, 1 अपन क्या फॉर्मूला लिखते हैं, n+2 लिखते हैं, यहां 1 रखूंगा तो कितना आएगा, √3 आ जाएगा, यहां 2 रखूंगा तो, यहां 2 रखा 2 कितना, डायरेक्ट लिख देता हूं, यहां 2 रखा 2 8 √8 आ गया, अगर 3 रखता तो √15 आ जाता, अगर 4 रखता तो √
24 आया था, कितना आया था 24 आया था। तो इसमें से देखें कि इसके पास चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इनमें से चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने को इसके पास तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि यहां पर ये किसमें है, प्लस टू में, डी एट हो गया। इसके पास देखें कोबाल्ट प्लस टू में है, यहां भी चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, डी सेवन है। इसके पास देखें निकल प्लस टू में है, ये भी नहीं, तो आंसर आ गया अपना फर्स्ट आंसर आ जाएगा यहां अपने पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, चार अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि स्क्वायर प्लेन, बेटा जहां भी स्क्वायर की बात है, स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर द डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडेशन, जहां भी स्क्वायर की बात आती है आप सीधा सीधा किसको लेके आओगे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को लेके आओगे। जैसे आपको पूछे स्क्वायर प्लेन में बताओ कौन सा डी ऑर्बिटल काम आता है, जैसे डीएसपी2 में बताओ कौन सा ऑर्बिटल काम आएगा, डीएसपी2 स्क्वायर है तो इसमें डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर काम आएगा। अगर आपको पूछता है एसपी3 डी में कौन सा काम आएगा, तो अपना उसमें कौन काम आता है, डी जेड स्क्वायर काम आता है। पहले एक्सियल डी ऑर्बिटल काम आते हैं जो एक्सिस के ऊपर होते हैं, कौन से एक्सिस के ऊपर, दो एक्सियल होते हैं, तीन नॉन एक्सियल, ये जरूर ध्यान रखना आप कि जो एक्सियल ये नॉन एक्सियल होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ये तो क्या होते हैं एक्सियल, और ये क्या होते हैं नॉन एक्सियल होते हैं, कैसे होते हैं नॉन एक्सियल, कैसे होते हैं नॉन एक्सियल होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, आंसर आ जाएगा अपना फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक, कौन सा कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने हैं, क्या देखने हैं नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने हैं अपने को। डीएमजी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, निकल जीरो और जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसके वही कोबाल्ट की तरह कार्बन मोनोऑक्साइड इसी की तरह इसका कॉम्प्लेक्स बनेगा CO का होल फॉर्म, ये डायमैग्नेटिक था तो ये डायमैग्नेटिक है। Fe2O का होल फाइव NO SO4, इसमें बात करें तो ये कैसा आ जाएगा अपने वीक फील्ड लिगेंड भी यहां पर, ये पैरामैग्नेटिक आ जाएगा, कैसा आ जाएगा पैरामैग्नेटिक, भूरे वाले प्रेक्षण पढ़ते हो तो ये कैसा पैरामैग्नेटिक आ जाएगा, दूसरा आंसर आ जाएगा अपना। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, कौन सा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है उसके लिए बात करें, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के लिए देखिए पहले ही देखते हैं, निकल यहां पर प्लस टू में, निकल यहां प्लस टू में तो क्या बनेगा, निकल के पास डी एट डी नाइन डी टेन ये हमेशा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही होंगे, किसमें हेक्सागोनल में, जब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो छह हो तो अपना पहला ही आंसर आ जाएगा कि यहां पर डी एट है, तो याद रखना डी एट डी नाइन और डी टेन, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, डी एट डी नाइन डी टेन में चाहे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, हमेशा बाई कक्षक संकुल मतलब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन ही होगा होगा। और डी वन डी टू डी थ्री इनमें कभी भी पेयरिंग नहीं होगी, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, कभी भी पेयरिंग नहीं होगी। डी वन में हमेशा अनपेड इलेक्ट्रॉन एक मिलेगा, डी टू में दो मिलेंगे, डी थ्री में तीन मिलेंगे, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, द स्पिन क्वांटम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कोबाल्ट इन एच जी सी ओ एच सी एन का प्लस फोर, एच जी यहाँ प्लस टू में है तो यहाँ कितना आएगा माइनस टू, तो कोबाल्ट पर कितना जाएगा बेटा प्लस टू आ जाएगा, कितना जाएगा प्लस टू, कोबाल्ट प्लस टू में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं थ्री, तो आंसर आ जाएगा अपना अंडर रूट 15, अभी बताया था अंडर रूट 15 वाला कि अंडर रूट 15 कब आएगा जब तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, अंडर रूट 24 कब आएगा जब चार अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, और अंडर रूट 8 कब आएगा जब दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, ये सारे अभी अभी अपन ने बात की थी। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है अपन इसमें बात करें, फिर दोनों ही अणुचुंबकीय हैं, दोनों ही पैरामैग्नेटिक हैं, ये तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, तो इसके लिए बात है कोबाल्ट प्लस थ्री में D6 होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये डायमैग्नेटिक होगा,
दोनों उच्च चक्रण संकुल हैं। बात करें ये D6 आ गया, D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा, तो ये निम्न चक्रण संकुल हो जाएगा, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। अष्टफलकीय हैं जबकि पंचभुजीय पिरामिड, ये तो रॉन्ग बात है, दोनों ही अष्टफलकीय हैं। ये बाह्य संकुल कक्षीय संकुल है जबकि ये आंतरिक संकुल, बिल्कुल फोर्थ स्टेटमेंट सही आएगा क्योंकि इसमें पेयरिंग हो जाएगी, इसमें पेयरिंग नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। Which of the following combination hybridization of central atom does not change? इसमें बेटा एक में ही चार क्वेश्चन बन रहे हैं अपने पास, does not change की बात कर रहा है। यहाँ बेटा जी sp3 hybridization है, यहाँ भी sp3 hybridization, hybridization तो change नहीं हुआ, तो change क्या क्या हुआ? यहाँ पर shape change हो गई, V shape से pyramidal shape हो गई, bond angle change हो गया, कितना? 105 से 107 degree हो गया। तो इसमें क्या क्या change हो रहा है? Bond angle change हो रहा है, shape change हो रही है, ये भी ध्यान रखना आपको। यहाँ भी sp3 है और यहाँ भी sp3 है, इसमें क्या क्या चेंज हुआ है? इसमें हाइब्रिडेशन चेंज ही नहीं हुआ है बेटा। H+ के अटैक को प्रोटोनेशन बोलते हैं, प्रोटोनीकरण बोलते हैं, क्यों? क्योंकि H में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटोन होता है, अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जाए तो क्या बचेगा? ओनली प्रोटोन बचेगा। तो इसमें कौन सा अपन बात करें, प्रोटोनेशन, H+ के अटैक को प्रोटोनेशन बोलते हैं। इसमें शेप चेंज हो गई, पिरामिडल से टेट्राहेड्रल बदल गई, पिरामिडल से टेट्राहेड्रल बदल गई, जबकि यहां बात करें इन दोनों में हाइब्रिडेशन चेंज नहीं हुआ है। H2O एंड CO में बात करें, CO इसके लिए स्टार लगा रखा है, मतलब sp हाइब्रिडेशन होता है इसमें, इसमें कौन सा होता है? sp2 हाइब्रिडेशन, हाइब्रिडेशन चेंज हो गया बेटा। इसमें यहां पर कौन सा है? sp2 हाइब्रिडेशन है, जबकि यहां कौन सा है? sp3 हाइब्रिडेशन है, कौन सा है? sp3 हाइब्रिडेशन है। इसने पूछा है डज नॉट चेंज, फर्स्ट और सेकंड में चेंज नहीं हुआ, तो आंसर आ जाएगा अपने पास फर्स्ट आ जाएगा। ये अपने बेटा 120 क्वेश्चन हो गए हैं, एक क्वेश्चन में अपने को करेक्शन मिला आंसर की में, ठीक है, और बाकी में करेक्शन नहीं है। तो अच्छा पेपर था, नीट्स का लेवल का पेपर था, कुछ क्वेश्चन अच्छे ऐसे क्वेश्चन है जिनमें दिमाग काफी लगाना है और कुछ क्वेश्चन इजी है, ऐसा ही नीट का आता है, अच्छे पेपर किया होगा आपने। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।